चलो बच्चो पार्टी नमस्कार एंड एस एस पी दाइन एन टूटल इन प्लेस वेन फील द्ड मोहम्मद विदजेक्ट बच्चा लोग सोज हम लोग करने वाले हैं कंप्लीट एनसीआर ऑफ द वेरी ब्यूटिफुल चैप्टर जिस चैप्टर से मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्यार करवा दिया एंड पर्सनली मैं बोलूँ तो ये मेरा फेवरेट चैप्टर है दोनों लोग क्यों कहते हैं कि चैप्टर बहुत टफ होता है लेकिन कसम से बता रहा हूँ बच्चा लोग ये बहुत ही प्यारा चैप्टर है फिजिक्स का दट इज ऑल अबाउट सेमी कंडक्टेड एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अगर हम इस चैप्टर के एन सी को करना चाहते हैं तो एक रिक्वेस्ट आप लोगों से ये रहेगा कि आप लोग जरूर जो है पहले इसके सारे कॉन्सेप्ट को देख लीजिए चाहे आपको वन शॉट पढ़ना है चाहे आपको डिटेल क्लासेस देखनी है वो सब कुछ इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा 2018, 19, 20, 21, 22 बहुत बार मैं ये पढ़ा चुका हूँ इन तमाम सालों में जब जब बोर्ड एग्जामिनेशन आई है मैंने ये चैप्टर्स के वीडियोस बनाए हैं और जब भी ये वीडियोस बने हैं हमेशा भौखाल मचाए हैं तो आप ज़रूर देख लेना वो वीडियो और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखा है ताकि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आपसे बन जाए बहुत ही ईजी चैप्टर है न्यूमेरिकल्स में कुछ ही फार्मूलेज हैं और अगर आप सी बी बोर्ड के विद्यार्थी हो तो मैं तो पूरा ही सॉल्यूशन कराने वाला हूँ सारे एग्जांपल एक्सरसाइज एंड एडिशनल एक्सरसाइज लेकिन कुछ कुछ टॉपिक जैसे ट्रांजिस्टर है लॉजिक गेट है ये आपके सीबीएसई बोर्ड में नहीं है तो अगर आप उसे आ, नहीं देखेंगे तो चलेगा बोर्ड एग्जामिनेशन के लेकिन अगर आप कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करें तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेगा वैसे भी मेरा हमेशा कहना होता है कि मार्क्स का पीछा मत करो यार एक्सीलेंस का पीछा करो आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है तो जरूर देखिए और स्टेट बोर्ड के विद्यार्थी तो जरूर इसे देखना बिकॉज ये आपको बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट एंड जैसा कि चैनल का थीम है बच्चा लोग कम लेट्स फॉल इन लव विद फिजिक्स सो जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हमारे क्लास ट्वेंटी फोर ऐप को जरूर डाउनलोड करना बिकॉज यही क्लास ट्वेंटी फोर एप पर ही मेरे पेड बैचेस फॉर नीट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एज वेल एज ट्वेंटी ट्वेंटी फोर प्लस मॉक टेस्ट एंड सी बी एस ई के सैंपल पेपर भी अवेलेबल है चलिए तो अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चा लोग बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल फैमिली एंड हे वी गो तो आज हम सचिन एक्चुअली पहले क्या होता है ना चेक करना होता है कि जो लिख रहे हैं आवाज आवाज बराबर आ रही नहीं तो सबसे पहले पहले नाम लिखाते हैं छोटे बच्चे होते हैं ना सबसे पहले कुछ भी करते हैं तैयारी तो सबसे पहले अपना नाम लिखते हैं चलिए आइए देखिए यहाँ पर तो हमारे पास में है पहला सवाल एग्जाम्पल नंबर फोर्टीन पॉइंट वन दैट इज द कार्बन सिलिकॉन एंड जर्मीनियम हैव सेम लैटिस स्ट्रक्चर वाई इज कार्बन इंसुलेटर वाइल सिलिकॉन वाई इज कार्बन इंसुलेटर वाइल सिलिकॉन एंड जर्मीनियम इंटेंसिक सेमी ये सेमी हैं क्यों और कार्बन क्यों ऐसा है कि वो इंसुलेटर है तो बच्चा लोग कोई भी मटेरियल जो है वो कंडक्टर है इंसुलेटर है या वो सेमी कंडक्टर है वो एक प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती है वो प्रॉपर्टी को हम क्या कहते थे कि एनर्जी गैप कितना आप जानते हो कि हमारे पास में नीचे इस तरीके से एनर्जी का एक लेवल होता है बहुत अच्छे तरीके से मैंने वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है अभी फिर से न्यूमेरिकल में भी आपको एक्सप्लेन कराऊँ ध्यान से देखिए ये है हमारा वैलेंस बैंड इसके ठीक ऊपर के कुछ गैप के बाद में यहाँ पर होता है कंडक्शन बैंड नाम से पता चल रहा है कंडक्शन बैंड का मतलब एक ऐसा एनर्जी का लेवल जहां पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सब के सब करते उसे कहा है। और जिस भी इलेक्ट्रॉन के पास इतनी ताकत हो कि वो ये वाली एनर्जी गैप को क्रॉस करके कंडक्शन में पहुंच जाए फिर वो एक बहुत अच्छा कंडक्टर है इसलिए तो कहते हैं कि कंडक्टर का एनर्जी गैप ईजी बहुत ही कम होता है इंसुलेटर का बहुत ज्यादा होता है और हमारा जो सेमी कंडक्टर होता है उसका कंडक्टर से थोड़ा ज़्यादा और इंसुलेटर से कम होता है बात आई समझ में तो अब आप समझ ही गए होंगे कि क्यों कार्बन इंसुलेटर है क्योंकि उसका एनर्जी गैप कंपैरिजन टू सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बहुत ज़्यादा है याद करना है तो 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्टेज ही आपका एनर्जी गैप ऑफ कार्बन होता है एंड जो आपका ईजी सिलिकॉन होता है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और वहीं अगर हम जर्मेनियम की बात करें तो लिस्ट होता है दैट इज जीरो पॉइंट सेवन इलेक्ट्रॉन वोल्टेज तो क्योंकि एनर्जी गैप ज्यादा है इसीलिए इलेक्ट्रॉन के पास इतनी सफिशियंट एनर्जी नहीं होती कि वो जम करके यहां पर चला जाए जिस वजह से हम कहेंगे कि कार्बन इंसुलेटर है राइट चलिए तो ये क्वेश्चन होता है यहां पर सॉल्व आगे बढ़ते हैं अच्छा जो कुछ भी यहाँ पढ़ाया जा रहा है बच्चा लोग वो आपको नोट्स जैसा भी मैं लिख रहा हूँ वो पूरा का पूरा हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम में आफ्टर दिस वीडियो मिल जाएगा ऑलरेडी फोर्टी थाउजेंड से भी ज्यादा विद्यार्थी सारे के सारे नोट्स को एक्सेस कर रहे हैं तो आप पीछे मत रहो आप भी ज्वाइन कर ही लो ठीक है अगले सवाल पर चलते हैं सपोज अ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल हैज़ अ इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तो प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल है जिसमें फाइव इंटू ट्वेंटी एट एटम्स पर मीटर क्यूब है तो प्योर सिलिकॉन का जो नंबर है सिलिकॉन एटम नंबर इसे मैं कैपिटल एन सिलिकॉन लिख देता हूं जो कि फाइव इंटू टेन पावर में ट्वेंटी एट एटम्स पर मीटर का क्यूब है इतने हमारे पास प्योर सिलिकॉन के नंबर है फिर कहता है इट इज डॉप्ट बाय वन पी पी एम इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जिसका सोल्यूशन बुक में नहीं बट आपको यहाँ पर प्रूफ आ, मतलब पूरा एक्सप्लेन करता हूँ मैं पी पी एम का क्या मतलब है पार्ट्स पर मिलियन मिलियन मतलब टेन पावर सिक्स यानी कि टेन पावर सिक्स प्योर सिलिकॉन के अंदर एक डॉप किया हुआ है आपने पढ़ा था ना एन टाइप सेमी कंडक्टर एंड पी टाइप सेमी कंडक्टर हम एन टाइप और पी टाइप कैसे डिफाइन करते हैं तो एन टाइप के अंदर हम डोपिंग करते हैं किसकी करते हैं आपको पता है अगर ना याद हो तो चलो मैं आपको बताता हूँ सही ट्रिक बताता हूँ अभी देखना मजा आएगा आपको पर इतना तो पता है कि एन टाइप बनाने के लिए हमें पेंटावेलेंट ऐड करनी पड़ती है और जब हम ट्राईवेलेंट मिलाते हैं तब वो आपका पी टाइप हो जाता है एन टाइप एंड पी टाइप तो एन टाइप में पांच इलेक्ट्रॉन्स आते हैं जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन बचा रहता है बाकी के चार इलेक्ट्रॉन्स हमारे सिलिकॉन के साथ कनेक्टेड रहते हैं इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं डोनार आर वहीं पी टाइप के अंदर क्या होता है कि तीन लास्ट ऑर्बिट में होते हैं यानी एक खाली रहता है जैसे हम वैलेंसी कहते हैं यानी कि होल। तो ऐसा माना जाता है कि भैया होल क्या करता है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है तो मैं यहां पर ऐसे कह देता हूं कि प्योर सिलिकॉन कितना टेन पावर सिक्स तो उसमें जो इंप्योरिटी है डॉपिंग की कितना मिला रहे हो कॉन्सेंट्रेशन वो एक पार्ट्स पर मिलियन देखो पेंटावेलेंट लिखा है यहां पर आर एंड दिस इज आरसेनिक अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ आपको याद रखना है बच्चा लोग कि कैसे एन टाइप के अंदर यही लोग होते हैं देखिए वो ट्रिक क्या है तो देखिए ये ट्रिक है इससे आप हमेशा याद रख सकते हैं नो no प्रॉब्लम आज से सब बढ़िया ठीक है और दूसरे में नीचे आप ऐसे याद कर सकते हैं बाबू बाबू बो बोलते हैं तो फिर एल एल एले करते हैं ना तो देखो कुछ अलग मत, मतलब निकाल लेना सो so, बी ए एल गई

And NH. ये mark है। और हमें कुछ और भी दे रखा है तो उस पर थोड़ा बहुत भी थर्मल एनर्जी जब अप्लाई किया जाता है ना तब भी बोन्स टूटते हैं और इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं और उसकी वैल्यू ना मतलब एक्सटर्नल जो आप तोड़ते हैं वो एक अलग लेवल है जब हम गोल एंड बोन्ड को तोड़ते हैं तभी तो इलेक्ट्रॉन होल्सपेयर बनता है राइट लेकिन ये जो एनी हो, एन आई होता है वो कहा जाता है कि थर्मल की वजह से थर्मल एनर्जी की वजह से आने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसा उसकी वैल्यू है वो जो हमें दे रखी है 1.5 पर मीटर क्यूब यानी जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी सेमी कंडक्टर के अंदर वो किसके वजह से आते हैं एक तो वो डोपिंग की वजह से आते हैं और दूसरा कौन सा है थर्मल की वजह से आते हैं बट थर्मल वाला डोपिंग के कंपेरिजन में बहुत कम होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो अप्रॉक्स टेन पावर सिक्सटीन पर मीटर क्यूब होती है जैसा कि आप यहां देख भी पा रहे हैं वो NI है है right? राइट लेकिन ये ये जो डोपिंग है बच्चा लो, ये बहुत ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में तो ये बहुत ही कम है इसलिए हम इसको एनडी लिख देते हैं अब जरा बहुत ध्यान से समझना इस बात को कि भाई हम यहां पर कह रहे हैं कि जो प्योर सिलिकॉन है टेन पावर सिक्स है तो उसमें हम सिर्फ एक इम्यूरिटी मिला रहे हैं तो टेन पावर सिक्स में आप एक मिला रहे हो करेक्ट तो अगर मुझे नंबर ऑफ आर्सेनिक ये पता चल जाए जो कि मुझे दिया भी हुआ है कि हम आर्सेनिक मिला मिला रहे हैं और फाइव इंटू टेन एस टू ट्वेंटी एट जो है आ, एटम्स है तो उसके अंदर नंबर ऑफ आर्सेनिक कितना हो सकता है फिर से समझिए प्योर सिलिकॉन टेन पावर सिक्स है तो उसमें सिर्फ एक मिला रहे हो तो भाई हमारे पास इतना प्योर सिलिकॉन है फाइव इंटू टेन पावर ट्वेंटी एट तो इसमें आप कितना मिलाइएगा तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ फाइव इंटू टेन पावर ट्वेंटी एट डिवाइड बाई टेन पावर सिक्स हो गया यानी ये आ गया फाइव इंटू टेन पावर ट्वेंटी टू अब आप जानते हो बहुत अच्छे तरीके से कि अगर एक आर्सनिक आता क्योंकि पेंटावेलेंट की कहानी तो यही है ना कि जब भी हम पेंटावेलेंट मिलाते हैं तो चार पांच इलेक्ट्रॉनों में से चार लोग जो होते हैं सिलिकॉन के बोन्स के साथ बैठ जाते हैं है ना एक जो होता है वो फ्री रहता है और वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्यों आया क्योंकि हम पांच वैलेंसी वाला पेंटावेलेंट मिलाते हैं सिलिकॉन के साथ तो ऐसे समझिए कि अगर एक बंदा आया एक आर्सनिक आया तो अपने साथ एक पर इलेक्ट्रॉन लाया वैसे अगर इतने लोग आ गए तो कितना लेकर के आएगा कोर्स इतना ही इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स वो आपके जो डोपिंग का कॉन्सेंट्रेशन उसके बराबर है और डोपिंग का कॉन्सेंट्रेशन कितना है फाइव इंटू टेन ट्वेंटी टू यहां हमने लिखा फाइव इंटू टेन पॉइंटी टू पर मीटर क्यूब बेसिकली यही हमारे लिए एनी हो गया बात आई समझ में क्योंकि इसके कंपैरिजन में फाइव इंटू टेन टू ट्वेंटी टू के कंपैरिजन में मैंने ये कितना बोला था टेन पावर सिक्सटीन तो वो तो बहुत ही कम है ना क्योंकि वो ऑलरेडी टेन पावर ट्वेंटी टू है ऊपर से पांच गुना है फाइव टाइम्स है इसीलिए जो थर्मल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो समंदर में छोटे बहुत ऐसे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसके जैसे हैं तो वी आर गोइंग टू तो इग्नोर दैट यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल गया अब ये जो फॉर्मूला है एनआई का स्क्वायर इसको मास रिकॉम्बिनेशन रेट बोलते हैं बच्चा एन ई इंटू एन एच इसका बस यही मतलब होता है कि जब इलेक्ट्रॉन बनेगा तो होल भी रहता है यानी इलेक्ट्रॉन होल पेयर हमेशा साथ में रहते हैं जब हम एन टाइप पी टाइप की बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स हमारे पास हुए वो कितने हो गए एन ई इंटू एन एच और वही एन ई एन एच जब हमारे पास में प्योर सिलिकॉन है एनी -E भी एन के बराबर है एन एच -E भी एन के, -E के बराबर है तो यही एन का स्क्वायर हो जाता है अब तो बहुत ही सिंपल है आपके पास में एन गिवन है एनी -E आपके पास में गिवन है आप एन निकाल लीजिए तो एनआई का स्क्वायर अपॉन में एनी बस कैलकुलेशन करके धड़ाके से इसका आंसर लेकर के आ जाइए आपके सामने इसका रिजल्ट ठीक है थीके? चलो तो बढ़ जाते हैं आगे यानी आपका आंसर आएगा फोर पॉइंट 9 पर मीटर का क्यूब ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दैट इज 14.3 कैन वी टेक वन स्लैब ऑफ पी टाइप सेमी कंडक्टर वेरी इंटरेस्टिंग क्या हम ले सकते हैं एक पी टाइप सेमी कंडक्टर एंड फिजिकली ज्वाइन इट एनदर एन टाइप सेमी कंडक्टर टू गेट पी एन जंक्शन डायोड ऐसे थियेटिकली बहुत सारे बच्चे सोचेंगे हाँ सर क्योंकि थेरी में पढ़ाया भी ऐसे ही गया है हमने भी पढ़ा है सबने पढ़ा है किताब में लिखा भी ऐसे ही गया है कि एक पी टाइप आया और एक एन टाइप आया सर सही तो है पी टाइप के अंदर बहुत सारे होल्स होते हैं और एन टाइप में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फिर ये इलेक्ट्रॉन जो होता है इसमें डिफ्यूज़ होता है फिर यहाँ पर डिप्लेशन लेयर बनता है बट ऐसा वास्तव में बच्चा पॉसिबल नहीं है यहाँ पर लाइन को बहुत अच्छा समझिए कैन वी टेक स्लैब ऑफ पी टाइप मतलब आपने एक पी टाइप का अलग वेफर लिया अलग स्लैब लिया और एक एन टाइप का अलग लिया क्या हम दोनों को मिला देंगे तो वो जंक्शन प्रोसेस हो पाएगा नहीं क्यों क्योंकि जब आप इसे एटॉमिक लेवल पर ऑब्जर्व करोगे तो यू विल सी दैट देर इज सम रफनेस ऐसे रहेगा तो देर इज नो चांस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन दैट इज गोइंग टू जंप फ्रॉम द एन टाइप टू पी टाइप बिकॉज वो दोनों ही अलग है हमने जो पी जंक्शन डायोड की थे पढ़ी है या जो किताब में लिखा जाता है वो एटॉमिक लेवल पर है मतलब एक ही वेफर है उसके अंदर पहले एन को पी को इंजेक्ट किया है फिर बाद में एन को इंजेक्ट किया है अलग अलग नहीं होते हैं वो अलग अलग पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि जंक्शन बन ही नहीं पाएगा बिकॉज देर इज ऑलवेज अ रफ सर्फेस वेन एवर वी आर गोइंग टू जॉइन वन पी एंड वन एन सो ऑन द एटॉमिक लेवल और ऑन द माइक्रो लेवल इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द जंक्शन जंक्शन को सेपरेट नहीं कर सकते तो आप इसे ऐसा लिख दीजिएगा ऑन द एटॉमिक लेवल और ऑन द माइक्रो लेवल इट इज नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट अ डिफरेंट पी एंड डिफरेंट एन बिकॉज देयर विल बी सम रफनेस ठीक है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा चलिए आइए यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है बहुत ही सिंपल सा सवाल है वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिलिकॉन डायोड इज शोन इन द फिगर तो सिलिकॉन डायोड का वी आई कैरेक्टरिस्टिक है आई वर्सेस वी ग्राफ ये फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक होता है, यह है. आपसे यहाँ पर बोल रहा है बच्चा पहला पोर्शन की जब पंद्रह मिली एम्पियर है तो वहां पर बताइए कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड तो ग्राफ है यहाँ से यहाँ तक की लाइन हमें स्ट्रेट लेनी है ये पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालना है तो जो रेजिस्टेंस होता है क्या ही पूछा ना कैलकुलेट द रेजिस्टेंस तो आर इज इक्वल टू क्या होता है डेल्टा भी अपॉन में डेल्टा है बेसिक ओम स्लो तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हमारे पास में एक पॉइंट ये हो गया वोल्टेज का एक पॉइंट हमारे पास में ये हो गया सो बेसिकली ट्वेंटी माइनस में टेन और यहाँ के लिए जो करंट है वो आपका जीरो पॉइंट एट है और यहाँ के लिए जो करंट है वो आपका कितना हो गया

तो जो डेल्टा वी है वो तो साफ साफ दिख रहा है टेन वोल्टेज का ही डिफरेंस है तो हम टेन लिख देते हैं माइनस ले है, तो माइनस ले लो बिकॉज वो कट भी जाएगा बिकॉज करेंट नीचे है वो भी माइनस है और ये कितना है वन माइक्रो एम्पियर का है ये आपका कितना हो गया टेन इन टू टेन पावर सिक्स यानी टेन पावर सेवन एम्पी रजिस्टेंस तो ओम हो जाएगा अब जरा यहाँ पर थेटिकली सोचिए कि यार ये रजिस्टेंस इतना ज्यादा क्यों आया ऑफकोर्स आएगा भाई क्योंकि ये रिवर्स फायर्स है रिवर्स फायर्स के अंदर रजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है शायद इसीलिए करंट ना के बराबर चलती है और वो करंट जो ना के बराबर होती है वो कितने के लेवल में चलती है माइक्रो एम्पेयर के फॉर्म में चलती है और यहाँ पर कितना चलता है मिली एम्पेयर के फॉर्म में चलता है ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं यहाँ पर थोड़ी वैल्यू आएगी अच्छी खासी जब बहुत कम नहीं होगा बहुत ज़्यादा भी नहीं होगा ओके okay. तो देख लिया टेन पावर सेवन है और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो आपका टेन ओ मारा है डेल्टा ई टेन दिया हुआ है चीज़ी 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 हाँ सही तो है R इज इक्वल टू बी बाई आई पी इक्वल टू आई परफेक्ट डेल्टा बी अच्छा वो तभी तो मैं सोचूं बच्चा लोग लगा रिली सॉरी यार डेल्टा बी जब लेंगे ना तो फिर ये डिफरेंस आएगा डेल्टा बी यहाँ पर है करेक्ट यानी कि जीरो पॉइंट एट माइनस जीरो पॉइंट फाइव उल्टा कर दिया मैंने चलो इतना तो बच्चा लोग समझ सकता है जीरो पॉइंट एट मारा जीरो पॉइंट फाइव और यहाँ पर करेंगे तो फिर ये आपका हुआ टेन इस हिसाब से तो फिर ये पॉइंट थ्री बाई टेन यानी कि कितना हो जाना चाहिए मैंने ग्राफ में ही कुछ लोचा मारा है तो एक आपका है जीरो पॉइंट एट दूसरा जीरो पॉइंट सेवन है ओके तो ग्राफ एक बार जरा किताब से अच्छे से देख लेना बच्चा बिकॉज यहाँ पर जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट्स परफेक्ट नहीं है तरीका तो वही है ना इतना तो आप समझ सकते हो तो आर एसो डेल्टा भी डिवाइडेड बाई डेल्टा आई अप्लाई करो और ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं ये आया बढ़िया सवाल दमदार सवाल इसको थोड़ा फील करना बहुत अच्छे से इन अ जीनर रेगुलेटेड पावर सप्लाई अड विजेड इज इको टू सिक्स वोल्टेज इज यूज फॉर अ रेगुलेशन अब मेरे इस साल के जो विद्यार्थी हैं खास करके दो में जाने वाले विद्यार्थी जो सिर्फ बोर्ड पर फोकस कर रहे हैं उनके लिए मैं एक बार थियरी थोड़ा सा हल्के से समझा देता हूँ आपको फील आ जाएगा मजा भी आ जाएगा क्योंकि जीनर बोल दिया है तो मैं क्वेश्चन कराऊँ उससे पहले थोड़ा फील कराता हूँ देखिए जीना डायोड जो होता है ना बेसिकली आप देखिए ये जीनर डायोड इतना ज्यादा प्यार है मुझे इस चैप्टर के साथ तो जीनर डायोड हमेशा रिवर्स बायस मोड पर काम करता है इसका टेक्निक इस तरीके से होता है जेड जैसा सिंबल होता है या आपका पी होता है या आपका एन होता है और अगर ये हमारा रिवर्स बायस मोड पर काम कर रहा है तो पी को मुझे माइनस देना होगा और इसे मुझे प्लस देना होगा यहाँ पर बेसिकली ना बच्चा लोग इरेगुलर सप्लाई होता है ये मैंने प्रचंड बैच के अंदर भी पढ़ाया है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उन तमाम विद्यार्थियों को पता भी होगा आ, बाकी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए तो ये है नहीं लेकिन स्टेट बोर्ड के विद्यार्थी के लिए तो ध्यान से समझना ये डिवाइस का काम क्या है पहले वो समझो आपके घरों में बहुत सारे डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो ना कॉन्स्टेंट वोल्टेज चाहते हैं उनको वोल्टेज में जो ई होती है उससे बहुत डिस्टर्बेंस होता है क्योंकि अगर हमारे घरों में जो सप्लाई आता है हम जानते हैं वो एसी है अच्छा एसी को डीसी में काम करने का काम रेक्टिफायर करता है लेकिन पूरी तरह से रेक्टिफायर में बदलने के बावजूद भी अगर मैं कहता हूं कि बीस वोल्टेज का कॉन्स्टेंट मुझे चाहिए भले वो डीसी हो तो मुझे बीस वोल्टेज का डीसी ही चाहिए ना मैं उन्नीस से खुश रहूंगा ना मैं इक्कीस से खुश रहूंगा बट यहां पर तो जो हमारा सप्लाई आता है इनपुट वो तो ई रेगुलर रहता है राइट तो ई रेगुलर वोल्टेज को रेगुलेट करने का काम जीना करता है जितने अमाउंट का आपको लोड में वोल्टेज चाहिए जैसे टीवी के अंदर खास जो आपकी टेलीविजन होती है उसके अंदर फिक्स अमाउंट का वोल्टेज है उसमें जरा भी इधर उधर होगा तो पिक्चर ट्यूब उड़ जाएगी खैर खैरा पिक्चर ट्यूब नहीं होते बट पहले के जमाने में जो टीवी होते थे काफी बड़े होते थे उसमें यह दिक्कत होता था तो जैसे ये एक लोड रेजिस्टेंस है लाइट भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो यहाँ पर आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा ठीक है हमें ये आउटपुट वोल्टेज मान लीजिए दस वोल्टेज का चाहिए तो हम ना जो जीना डायोड लेंगे वो भी 10 वोल्टेज के ब्रेकडाउन वाला लेंगे अभी ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है कि इतने पर उसमें से करंट जो होती है जंप करके बढ़ जाती है एकदम तेजी से बढ़ जाती है एक बार जरा पढ़ना अच्छे से दो तरीके का इफेक्ट होता है जेनर इफेक्ट एंड एवलांच इफेक्ट मैं इतना डीप में नहीं जाता हूं ऊपर से आपको समझाता हूं आपको उतने में मजा आ जाएगा तो मैंने कहा कि यहां पर इरेगुलरिटी है लेकिन यहां पर रेगुलरिटी है क्यों क्योंकि इसका काम ही होता है कि यहाँ पे कुछ भी चेंज हो ये कांस्टेंट ही देगा इसको अगर ये दस वोल्टेज का चाहिए तो दस वोल्टेज वाला लगा दो ये बीस वोल्टेज का चाहिए तो बीस वोल्टेज वाला लगा दो ये तीस वोल्टेज का चाहिए तो तीस वोल्टेज का लगा दो बट अब आप सोचोगे कि सर अगर यहाँ परिवर्तन हो रहा है यहाँ बढ़ रहा है क्योंकि ये इरेगुलर है बढ़ भी रहा है घट भी रहा है तो ये कैसे काम कर लेता है तो इसकी एक खास बात होती है कि ये वोल्टेज को कॉन्स्टेंट रखता है लेकिन करंट को कितना भी जाने देता है और साथ ही साथ इस तरीके के सर्किट में यहाँ पर ना एक रजिस्टेंस लगा होता है इसको सोर्स रजिस्टेंस बोलते हैं आप ही को ध्यान से समझिए अगर इनपुट वोल्टेज बढ़ता है तो सोर्स रेजिस्टेंस में से चलने वाली करंट भी बढ़ती है यानी इसके अक्रॉस में I वोल्टेज ड्रॉप भी ज्यादा हो जाता है लेकिन यहां का क्योंकि जो भी यहां पर चेंज हुआ वो यहीं पर ड्रॉप हो गया तो इसको मिला कितना इसको जितना चाहिए था उतना ही रखता है ठीक है अगर ये कॉन्स्टेंट तो ये कॉन्स्टेंट अब इसका उल्टा करो अगर यहां इनपुट वोल्टेज घटेगा तो चलने वाली करंट भी घटेगी यानी इसके अक्रॉस का वोल्टेज बी बराबर आई आर बी घटेगा बट इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा इसका वोल्टेज कॉन्स्टेंट है तो इसका भी क्या रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा बस यही फिनोमिना होता है अब समझ गए जेना डायउ का काम क्या होता है इट इज अ काइंड ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर डिवाइस वोल्टेज को रेगुलेट करने का काम का कौन करता है जेनर डायउ करता है ओके okay, सर समझ में आ गया अब सवाल पर आते हैं इन अ जेनर रेगुलेटेड पावर सप्लाई अ जेनर डायोड विथ विजेट इज इक्वल टू सिक्स वोल्टेज देखो अभी यहाँ का वोल्टेज छ वोल्टेज है मतलब जाहिर सी बात है इसके का भी हमें छ वोल्टेज ही आउटपुट मिल सकता होगा यूज फॉर रेगुलेशन द लोड करेंट इज टू बी फोर मिली एम्पियर से चलने वाली करंट आपकी चार मिली एम्पियर है ठीक है एंड द अनरेगुलेटेड इनपुट इज टेन वोल्टेज ये जो है अनरेगुलेटेड वो आपका दस वोल्टेज है तो आपसे सवाल बोलता है वॉट शुड बी द वैल्यू ऑफ सीरीज रजिस्टर आर एस तो सीरीज रजिस्टर आर एस की वैल्यू क्या होनी चाहिए तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ अगर यहां दस वोल्टेज है और ये दोनों पैरेलल में ये वोल्टेज चार वोल्टेज पता चल गया चलने वाली करंट कितनी है अब आप सोचेंगे कि सर, यहां से जो भी करंट चल रहा है कुछ हद तक करंट यहां भी डिवाइड होगा जेनर में से जाएगा और कुछ जो है आपके लोड में से जाएगा यानी जो सीरीज में चलने वाली करंट है या जो सोर्स रेजिस्टेंस से चलने वाली करंट है दैट इज द सम ऑफ जीनर प्लस लोड रेजिस्टेंस अब आपसे एक सवाल पूछता हूं लोड का हमें करंट दे रखा है फोर मिली एम्पियर अब आप सोचिए क्या जीनर डायोड से जाने वाली करंट इससे कम होनी चाहिए या इससे इसमें ज्यादा होनी चाहिए यहां से चाहे जितना भी आ रहा है यहां पर चलने वाली करंट डिवाइड होगा ये तो पक्का है इसमें से भी जाएगा इसमें से भी जाएगा बट द माई क्वेश्चन इज क्या ये जो करंट है जेनर करंट इट मस्ट बी लोअर देन द लोड रेजिस्टेंस और इट मस्ट बी ग्रेटर देन द लोड रेजिस्टेंस थोड़ा सा सोचो तो इसका आंसर है ग्रेटर 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 देन देन मोर लोड रेजिस्टेंस क्यों ऐसा भाई ये पूरी कहानी क्यों बनाई गई ये पूरी कहानी बनाई गई कि हम यहाँ पर टीवी रखे हैं टेलीविजन रखे हैं हम चाहते हैं कि उसका पिक्चर ट्यूब सही सलामत रहे तो हम क्या चाहते हैं कि यहाँ ई रेगुलेशन हो वोल्टेज का लेकिन यहां का हमारा कांस्टेंट रहे वोल्टेज का वोल्टेज का कांस्टेंट होने का मतलब देखो आर तो चेंज हो नहीं रहा बी बराबर आई आर तो अगर वोल्टेज कांस्टेंट है रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो करंट भी कांस्टेंट होगा बात आई समझ में तो ये फोर मिली एम्पियर जितना है उसको उतना ही चाहिए लेकिन यहां पर छह से तो ज्यादा का सप्लाई दे रहे हो दस का तो ज़्यादा करेंट कहाँ से फ्लो करेगा ऑफकोर्स यहां से करेगा। करेगा? अब वो वो कितना करेंगा? उसके लिए एक लिया जाता है। वो क्या है? है है। क्या जरा देखिए। हमें पता इससे इसको ज़्यादा ज़्यादा ही रखना तो तो थोड़ा अच्छा-खासा रख दो। तो हम ले ले लेते हैं। गुड रेगुलेशन फॉर द गुड रेगुलेशन मतलब कि यहां से लोड रेजिस्टेंस ठीक है तो चलिए अभी आपका जा पांच गुना हो गया पांच और एक आपका सिक्स आई एल हो गया तो ये आपका कितना हो जाएगा बच्चा ये आपका कितना चार आ, मिली पेयर है अच्छा तो बीस हाँ तो चौबीस हो गया ना ट्वेंटी फोर मिली पेयर राइट हो अच्छा अब आपके पास में सीरीज कितना आ गया चौबीस मिली पेयर आ गया तो अगर ये आई एस आ चुका है तो वोल्टेज आर एस तो आर एस के अक्रॉस का वोल्टेज कितना तो V इज वी एस इज इक्वल टू आई एस इन टू आर एस तो जो आर एस हुआ Vs, ये कितना? चार बटे में ये कितना चौबीस मिली यानी टेन फॉर माइनस थ्री सॉल्व करोगे तो अप्रोक्स वन सिक्सटी सेवन ओम आता है अगर मैं वैल्यू सही रख रहा हूँ तो कैलकुलेशन आपके ऊपर है उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं बट ये बहुत बार करा चुके हैं तो याद है अब मार्केट में 167 ओम का कोई रेजिस्टेंस अवेलेबल नहीं होता 150 ओम अवेलेबल होता है लेकिन अगर आप यहां पर थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस कम करोगे तो ड्रॉप में थोड़ी बहुत कमी आएगी बट इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज जीना डायोड में वोल्टेज कॉन्स्टेंट रहता है और वो क्या करता है अपने में से कितनी भी करंट को फ्लो होने देता है बात आई समझ में इसीलिए यहाँ जो रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू 167 ओम ना होकर ये अप्रॉक्स 150 ओम तक जाता है क्योंकि यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन बनाया जाता है अब आपको पता है कि सीबीएसई सी जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो प्रैक्टिकल बेस्ड होता है तो दिस इज़ अ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल जब कोई मार्केट में डिवाइस बनाया जाएगा खास करके जब उसको रेगुलेट वोल्टेज चाहिए तब उसके क्रॉस में अलग अलग रेजिस्टेंस लगा करके देखे जाते हैं अलग अलग रेजिस्टेंस लगाइएगा तो उस हिसाब से अलग अलग करंट होगा उसी में से प्रैक्टिकल करते 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 ही बहुत अच्छी कहानी सामने आई कि भैया जब भी डायोड का यूज़ करेंगे जेना डायोड का तो उसके करॉस में पैरेलल में जो भी लोड रेजिस्टेंस है उसमें से जाने वाली करंट से इसको ज़्यादा ही रखो ठीक है तो ये आपका सॉल्व होता है और आपका आंसर यहां पर निकल करके आता है हंड्रेड ओम फिर से इसको अच्छे से समझ लीजिए हंड्रेड अवेलेबल नहीं होता हंड्रेड ओम अवेलेबल होता है तो हमने यहां पर अप्रॉक्स हंड्रेड यूज करा यूज कराया ओके बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं देखिए इस तरीके से बनाया गया था बट मैंने आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया नंबर 14.6. पॉइंट सिक्स द करेंट इन द फॉरवर्ड बायस इज़ नोन टू बी मोर देन द करंट इन द रिवर्स बायस व्हाट इज द रीजन देन टू ऑपरेट द फोटो डायवर्ट इन द रिवर्स बायस ये तो थियरी में भी हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है बच्चा लोग अभी आपके एनसीईआरटी में बहुत अजीब अजीबो गरीब तरीके से लिखा हुआ है मैं उसको सिंपल भाषा में समझाता हूँ देखिएगा ध्यान से ये आपका पी टाइप सेमी कंडक्टर एन टाइप सेम कंडक्टर ये कई बार आपके सीबीएसई बोर्ड के अंदर भी पूछा हुआ है देखिए आपके बोर्ड्स के ही जो क्वेश्चन होते हैं वो आपकी किताब से ही होते हैं यहाँ पर प्लस 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 होता है या आपका माइनस माइनस ये बेसिकली आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और यहाँ से लाइट गिरती है और फोटो डायोड हमेशा रिवर्स बायस में लगाया जाता है रिवर्स बायस का मतलब ये माइनस और ये आपका होता है प्लस और यहाँ पर लगा होता है एक गैल्वेनोमीटर चलिए अब जरा ध्यान से समझना है इस बात को रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो होती है वो किसकी वजह से होती है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होती है अब आप ही सोचिए कि अगर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से हो रहा है जब यहाँ से लाइट गिरा तो लाइट के गिरते ही इसके अंदर के जो न्यूट्रल आइटम्स हैं वो टूटेंगे एक क्या बनेगा इलेक्ट्रॉन और क्या बनेगा एक होल इलेक्ट्रॉन पे साइन माइनस का है और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है तो ये माइनस के इसको खींच लेगी प्लस को मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए और इसके अंदर कौन बढ़ गया बच्चा लोग होल्स बढ़ गया बात आ रही समझ में अच्छा इलेक्ट्रॉन्स बढ़े तो इसका मतलब ये नहीं है कि साथ साथ में होल्स नहीं बढ़े थोड़े बहुत होल्स भी इसके अंदर बढ़ेंगे बट अब आप बताओ कि एन टाइप के अंदर मेजोरिटी कौन है बात है सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी कौन है जहर सी बात है सर नंबर ऑफ होल्स मैं कहता हूं कि पहले इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक हजार थे ठीक है और नंबर ऑफ होल्स आपके दस थे बराबर

पर इसके अंदर भी पांच होल्स आया अब आप बताओ ये पहले दस था अब ये आपका कितना हो गया पंद्रह एक हजार था अब कितना है एक हजार पांच है जो भी कंप्यूटर सिस्टम बहुत ही प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ या जो भी प्रोग्रामिंग सेट की गई होगी इस लाइट को डिटेक्ट करने के लिए इस गैलोनोमीटर के लिए झटका कब लगेगा ज्यादा इसको देख करके दस से पंद्रह होना या एक हजार से एक हजार पांच होना थोड़ा सा फील करो में बहुत अलग अलग तरीके से लिखा हुआ ये या मैं ऐसे कहूं कि एक हजार लोगों के बीच में पांच लोग और आ गए उन्हें पहचानना आसान है डिटेक्ट करना आसान है या दस लोगों के बीच में पांच लोगों को पहचानना आसान है आपका आंसर होगा सर दस लोगों के बीच में पांच लोगों को पहचानना बहुत आसान है लेकिन भीड़ में पांच लोगों को पहचानना बहुत टफ है अब माइनॉरिटी का जो भी चेंजेस होता है उसको ऑब्जर्व करना उसको मेजर करना बहुत आसान होता है इसीलिए तो इसको नोट काउंटिंग मशीन में यूज करते हैं इसीलिए तो इसको मॉल में यूज़ करते हैं कि कोई भी एक बंदा पार करे तो फिर जो है सेंसर को पता चल जाता है वो रीड कर लेता है कि भाई इस आ, दे इज सम्मन हु इज़ क्रॉसिंग द सिग्नल्स तो फिर वो काउंट कर लेता है उसका लाइन ऐसे ग्राफ ऐसे टक्क से ऊपर चला जाता है तो आप अब आप समझ पाए कि क्यों हम इसको फॉरवर्ड बायस में नहीं लगा रहे क्योंकि फॉरवर्ड बायस में ना मेजोरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो होगा और मेजोरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो होगा तो करंट ऐसे बढ़ेगा एक एक पॉइंट जीरो 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 एक एक पॉइंट जीरो ज़ीरो जीरो जीरो थ्री एक पॉइंट जीरो 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 वन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेजर उसके कंपेरिजन में अगर हम रिवर्स बायस की बात करें तो रिवर्स बायस में अगर करेंट चल रहा है पहले एक तो अब वो होगा एक दशमलव पाँच तो सेंसर को तुरंत बहुत जल्दी पता चल पाएगा और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी बहुत जल्दी इस चीज़ को पिक कर पाएगी इसीलिए हमेशा इस फोटो डैट को रिवर्स बायस मोड में लगाते हैं इसका आंसर आप सीधा सीधा एक एक लाइन में लिखिए इट्स वेरी इजी टू सेंस द चेंज इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर देन द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ज वेरी इजी टू सेंस द करंट ड्यू टू माइनोरिटी चार्ज करियर दैन द मेजोरिटी चार्ज कैरियर एंड वी नो दैट करंट ऑलवेज फ्लोज बिकॉज ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ओनली इन द रिवर्स बाय स्पोर्ट दैट्स वाई वी ऑलवेज यूज फोटो डायड विध दिस रिवर्स बाय सिचुएशन बिकॉज फोटो डायड का अल्टीमेट एप्लीकेशन क्या है काउंटिंग करना और वो काउंटिंग के लिए हमें ऐसी सिचुएशन का यूज करना पड़ेगा ठीक है चलिए तो ये भी होता है यहाँ पर समाप्त आगे बढ़ते हैं बड़ी अजीब सी कहानी लिखी है बच्चा इसमें जाओगे तो फंस जाओगे पता नहीं क्या क्या है ओके आर आर सिलिकॉन मटेरियल फॉर द सोलर सेल्स इसके लिए एक बहुत अच्छा सा एक एप्लीकेशन उसको ध्यान से समझना क्यों सिलिकॉन और गैलियम आर्सनाइट का जो होता है मटेरियल सोलर सेल के लिए यूज किया जाता है अगर आप सोलर सेल की कंस्ट्रक्शन की बात करो पढ़े हो आप थियरी नहीं पढ़े हो तो एक बार तुरंत देख लो फोटा से समझ में आएगा ये पी टाइप सेमी कंडक्टर और ये आपका होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर बेसिकली जो एन वाला पोर्शन होता है वो सन की तरफ होता है और साथ में यहाँ पर मेटल फिंगर्स रॉड लगाए जाते हैं कहानी वही है जब यहाँ पर से सन रेज गिरता है तो फिर वो डेप्लेशन लेयर में जा के न्यूट्रल एटम्स को तोड़ता है इलेक्ट्रॉन और होल्स के पेयर बनते हैं होल्स आपके पी टाइप में जा करके बैठ जाते हैं वहीं जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो आपके एन टाइप में जा करके बैठ जाते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आसानी से सेमी कंडक्टर में नहीं चल सकते वो आसानी से कंडक्टर में चल सकते हैं इसीलिए यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन के पास में कंडक्टिंग रॉड लगाया जाता है सो दैट ईजिली दिस इलेक्ट्रॉन कैन मूव थ्रू दिस कंडक्टिंग रॉड तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स और धीरे धीरे नीचे होल्स बैठने लग गए फिर आप यहाँ पर एक सुंदर सी खूबसूरत सी लाइट लगा दीजिए लाइट बहुत ही खूबसूरत होती है दुनिया में हर चीज खूबसूरत होती है बच्चा फिर वो लाइट आप देखेंगे चमकने लगेगा दिस इज ऑल अबाउट सोलर सेल की कहानी एक और अच्छी बात कि सोलर सेल को कभी भी बाइसिंग नहीं दिया जाता अब अच्छे से समझना कि क्यों यहाँ पर सिलिकॉन और गैलियम आर्सनाइट का ही यूज करते हैं गैलियम आर्सनाइट है? गैलियम आर्सनाइट हाँ का यूज करते हैं बाकी सभी लोगों का यूज नहीं करते तो प्रैक्टिकली जो सन रेज होती है सूर्य भगवान की किरणें होती हैं, उनकी इंटेंसिटीज इंटेंसिटी ये थोड़ा प्रैक्टिकल अच्छे समझना का तो अगर ग्राफ बनाया जाए तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है सही मैं थोड़ा सा ही अच्छा बना हुआ तो उसी को देख लेते हैं इस ग्राफ को ध्यान से देखिए बच्चा तो यहां पर ये ग्राफ ऐसे जा रहा है और फिर ये ऐसे अब ये वाली जो लाइन है यहां पर आप देखिए 1.5 eV ईवी है इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इंटेंसिटी के अंदर जो सन है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो अवेलेबिलिटी होती है वो 1.5 पॉइंट की होती है इसका मतलब ये हुआ कि सन से निकलने वाली किरणों के अंदर सबसे ज़्यादा अवेलेबल जो एनर्जी का सोर्स है वो 1.5 पॉइंट वाला है मतलब अगर मैं यहाँ पर एक ऐसा मेटल लूँ सॉरी मेटल नहीं यहाँ पर एक ऐसा कह दो डिवाइस लूँ जिसका एनर्जी गैप समझना बच्चा बहुत ही प्रैक्टिकल बात है ये जिसका एनर्जी गैप या तो 1.5 पॉइंट के बराबर हो या तो 1.5 पॉइंट से कम हो सही बोला ना मैं क्योंकि अगर यहां पर एनर्जी गैप 1.5 पॉइंट है तो मुझे इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनाने के लिए जो ऊपर से लाइट गिर रही है वो 1.5 पॉइंट से ज्यादा होनी चाहिए आर गेटिंग माई पॉइंट ट्राई टू अंडरस्टैंड बात आई समझ में फिर से समझो अगर यहाँ पर मैं दे रहा हूँ एक ऐसा डिवाइस एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसा सरफेस जहाँ से ये सारी चीज़ें होंगी सोलार सेल की उसकी एनर्जी गैप वन पॉइंट है और ऊपर से आने वाले लाइट भी वन पॉइंट है तो चांसेस है कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बनेंगे लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम लगा रहा हूँ या मैं एक ऐसा सोलार सेल फिट कर रहा हूँ जिसका एनर्जी गैप है टू पॉइंट फाइव बट इसमें से सनरेज में से मैक्सिमम आने के चांसेस 1.5 एनर्जी वाले ही हैं तो क्या यहां से इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगा अब आप समझ पाए आंसर है नहीं क्योंकि अवेलेबिलिटी जो चाहिए होने के लिए इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनने के लिए वो 1.5 eV सॉरी 2.5 बोला ना 2.5 eV से ज्यादा का है लेकिन हम हमारे पास अवेलेबिलिटी कितनी है 1.5 की इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अवेलेबिलिटी है 1.5 eV की तो आपके पास में जो सोलर सेल पैनल के लिए जो अवेलेबिलिटी है वो उसकी एनर्जी गैप या तो आप इक्वल्स टू 1.5 पॉइंट ईवी रखो या तो लेस वन पॉइंट फाइव रखो इन शॉर्ट 1.5 ई के आसपास रखो ताकि ये प्रोसेस हो पाए ठीक है तो ये ग्राफ से आपको ये पता चल रहा है और ऐसा किसके पास होता है सिलिकॉन के पास हो जाता है क्योंकि सिलिकॉन का अगर आप रखोगे तो सिर्फ जीरो पॉइंट वन पॉइंट वन की एनर्जी गैप वाला प्लेट होता है ये हमने

बट अगर आप गैलियम आर्सेनाइट का एक बार देखेंगे तो गैलियम आर्सेनाइट के लिए जो एनर्जी गैप होती है वो यहाँ पर लिखिए रहा देखिए गैलियम आर्सेनाइट इसके लिए है 1.53 पॉइंट अब आपके मन में सवाल उठना चाहिए कि सर अवेलेबिलिटी है सूर्य भगवान के पास में वन पॉइंट की लेकिन गैलियम आर्सेनाइट वाला बनाएंगे तो वन पॉइंट का रिक्वायरमेंट है ठीक है तो 1.53 वाले थोड़े से कम होते हैं लेकिन फिर भी गैलियम आर्सनाइट अच्छा माना जाता है सोलर सेल के लिए उसका रीजन ये है ओवर सिलिकॉन क्योंकि इसकी जो एब्जॉर्बसन की सिलेक्टिविटी है दैट इज मोर देन द दिलिकॉन अभी एब्जॉर्ब्सन सिलेक्टिविटी क्या होता है प्रैक्टिकल बात है बच्चा सिलिकॉन जो होगा और जो गैलियम आर्सेनाइट होगा दोनों में डिफरेंस ये रहता है प्रैक्टिकली देखा गया है कि जो सिलिकॉन होता है वो एब्जॉर्बन कम कर पाता है भले वो थोड़े पर ही रिलीज कर देता है इलेक्ट्रॉन होल पेयर बना देता है लेकिन ये ये जो है एब्जॉर्ब बहुत ज्यादा कर लेता है तो भले इसके लिए थोड़ी रिक्वायरमेंट ज्यादा हो लेकिन ये एब्जॉर्ब बहुत अच्छा करता है इसीलिए बहुत अच्छा माना जाता है समझ गए इसी तरीके से एक और बहुत अच्छी बात इसके अंदर लिखी है कि कहा गया कहा गया ये रहा जीरो पॉइंट फोर लेट सल्फाइट का मटेरियल लाइक लेट सल्फाइड का एनर्जी गीरो पॉइंट फोर ई वी है तब आप बोलोगे कि सर सूर्य भगवान के पास में तो आ, वन से लेकर के वन पॉइंट फाइव ई वी तक है मतलब कि तो सर ये तो ये वाला तो सिर्फ हमारे पास जीरो पॉइंट फोर ई वी का ही चाहिए इसका मतलब है कि जीरो पॉइंट फाइव से लेकर के वन पॉइंट फाइव तक सभी में इलेक्ट्रॉन होल्स बाहर निकल सकते हैं तो अगर सभी में इलेक्ट्रॉन होल बाहर निकल सकते हैं तो ये क्यों नहीं अच्छा है यही क्यों अच्छा माना जाता है उसका रीज़न है बच्चा ध्यान से समझियो जब हम ये डायग्राम देख रहे हैं कहा गया यस इस डायग्राम के ऊपर देखो तो होगा ये कि अगर आपने यहां पर ये जो पैनल लिया है वो पीबीएस का ले लिया किसका ले लिया पीबीएस का तो अब इसके लिए एनर्जी गैप कितनी चाहिए मात्र जीरो पॉइंट सात ईवी तो जीरो पॉइंट सात ईवी वाला जब एनर्जी गिरेगा ना तो वो एनर्जी पेनिट्रेट होकर के यहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा बिकॉज ऑलरेडी उसकी एनर्जी कितनी है ट सल्फाइड की जीरो पॉइंट सेवन एगी तो यहां पर जो भी एनर्जीज आएंगे उससे ज्यादा के वो यहीं पर पहले ही एन टाइप सेमी कंडक्टर के कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ देंगे और अगर वो कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ेंगे ध्यान से समझना बच्चा कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा इलेक्ट्रॉन साथ में क्या निकलेगा होल निकलेगा तो अब ये इलेक्ट्रॉन और होल को कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड खींच के एन में नहीं डाल पा रहा होगा और खींच के पी में नहीं डाल पा रहा होगा क्योंकि ये सेपरेशन हुआ कहां है यहां पर पहुंचने से पहले ही हो गया है यहां पर कहां पर डेप्लेशन लेयर पर यह तो आप जानते हो ना अच्छे से कि डेप्लेशन लेयर के अंदर ही आपने ये देखा है कि यहां पी होता है यहां एन होता है तो इधर प्लस 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 होता है इधर आपका क्या होता है माइनस 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 होता है तो अगर आपका आयोनाइजेशन या न्यूट्रल एटम टूटता है इन द रीजन ऑफ डेप्लेशन लेयर then ओनली चांसेस ऑफ देन दिस इज पॉसिबल कि भैया इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाए और होल यहाँ चला जाए बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगा देता है बट अगर यही लाइट आपका यहाँ पर गिरे 0.7 पॉइंट सेवन बिकॉज उसके पास उतनी ताकत नहीं है कि वो पेनिट्रेट करता हुआ पहुँच पाए तो होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन और होल्स बनेंगे तो ज़रूर लेकिन वापस प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करके फिर से रिकमाइन हो जाएंगे सो वी विल नॉट गेट दैट काइंड ऑफ एनर्जी इसीलिए को को बहुत अच्छा माना जाता है, को अच्छा माना माना जाता जाता है, 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 बाकी जितने भी हमारे के अंदर। चलिए अब अब आगे बढ़ते हैं, मजा आ गया बच्चा लोग तो comment जरूर करना। अब यहां पर आता फ्रॉम दी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिकॉइंट थर्टी बी द वैल्यूज ऑफ बीटा ए सी एंड बीटा डीसी ट्रांजिस्टर वेन बी सी टेन वोल्टेज एंड आई सी इज फोर मिली एम्पियर तो मुझे इसमें डायग्राम क्या हो सकता पड़ेगी आइए डायग्राम बना लेते हैं तो बच्चों यहां पर एक छोटा सा चेंज है छोटा सा चेंज यह है कि आपकी जो लेटेस्ट वाली टेक्स्ट बुक है जिसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है वो हम कर रहे हैं लेकिन ये बहुत पुरानी वाली टेक्स्ट बुक का शुक्ले ने क्वेश्चन उठा लिया था तो वो हम नहीं जा रहे हैं ट्रांजेस्टर वैसे भी आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन ये सारी चीजें हैं जो अब आपके सामने आ रहा है अगर वो भी आपको करना है तो मैंने ट्रांजिस्टर पूरा पूरा का पूरा पढ़ाया प्रचंड बैच के अंदर आप वो एक बार वीडियो जरूर देख लेना और अगर आपको लगता है दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ कॉमेंट करना ठीक है तो आ जाओ क्योंकि वो जो किताब मेरे पास पड़ी है उसके अंदर वो है ही नहीं उसका क्वेश्चन ही नहीं है तो अब यहाँ पर है इनका व्यू फॉर्म हमें बनाना है बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन ऐसे होते हैं ऑर्गेट ऑर्गेट का डायग्राम देखो इस तरीके का होता है डायग्राम में से जरूरत है नहीं यहाँ पे बट आप समझिए ए और बी है तो इसका जो आउटपुट होता है वो वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी होता है इसको ऑर्गेट बोलते हैं राइट जो नीचे का लाइन होता है ये आपका जीरो सिग्नल है ये वन है ये आपका जीरो है पूरा ये वन है और ये आपका वापस जीरो है ठीक है दिस इज जीरो इनपुट फिर उसके बाद में ये इनपुट आपका ए था यह आपका इनपुट बी है ये क्वेश्चन में गिवन होगा ये जीरो ये वन ये आपका जीरो और फिर ये आपका वन हमें बताना है भाई आउटपुट वेफॉर्म बनाना है तो आउटपुट वेफॉर्म बनाने के लिए आप थोड़ा ध्यान से समझना ये पूरा जीरो है और ये पूरा ज़ीरो है तो ज़ीरो और जीरो अगर आपका ए और बी है तो आप यहाँ पर ये फॉर्में लगाइए प्लस बी तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो का जो रिजल्ट होगा वह आपका ज़ीरो ही रहेगा मतलब कि यहाँ से यहाँ तक पूरी लाइन आपकी ज़ीरो रहेगी पहले फिर देखिए यहां पर सिग्नल वन हुआ यहां सिग्नल वन हुआ बस ये एंड हो रहा है तो वन प्लस वन का रिजल्ट आपका वन जाएगा ऊपर की तरफ यहां तक आपका वन हुआ ठीक है उसके बाद देखिए ये आपका जीरो है ये आपका वन है ये वाली लाइन वन ही है ना तो जीरो प्लस वन कितना वन तो अभी वन रहेगा फिर उसके बाद प्यारे बच्चों देखो ये जीरो है ये आपका जीरो है और तो फिर ये लाइन कहाँ चला जाएगा नीचे की तरफ जीरो होगा फिर ये आपका जीरो है यह आपका वन है तो ये ऊपर चला गया फिर उसके बाद ये आपका वन है ये आपका क्या है जीरो है यानी ये वन ही रहेगा

तो इस तरीके से जो होगा वो एंड गेट का आउटपुट रहता है या आपका ए या आपका बी तो ये आपका होगा ए डॉट में बी यानी कि अगर आपके पास में दोनों इनपुट वन वन जीरो जीरो वन जीरो वन जीरो कुछ भी है तो ए डॉट बी का रिजल्ट वन इंटू वन 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 इंटू जीरो 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 इंटू वन जीरो एंड जीरो इंटू जीरो क्या होगा जीरो ही होगा तो जिस तरीके से मैंने पहले बनाया वैसे ही आपको करना है खाली फार्मूला क्या फिट करना है ए डॉट बी चलिए तो यहां पर होता है आपकी टेक्स्ट बुक का खात्मा एंड आगे बढ़ जाते हैं नैंड किट भी दिया है चलो अब एक्सरसाइज पर आते हैं ठीक है तो चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं चलो हाई एक्सरसाइज के अंदर पहला क्वेश्चन देखते हैं तो थोड़ा थ्रिटिकल आ रहा है तो पहला सवाल यह है सिलिकॉन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इनमें से क्या जो है वो सही है वो आपको पकड़ना है ये पकड़ लेते हैं

ये शायद पहले ही वाले क्वेश्चन पर बेस्ड है बच्चा कि कार्बन का एनर्जी गैप सबसे ज्यादा होता है उसके बाद सिलिकॉन का होता है उसके बाद में आपका जर्मेनियम का होता है बिकॉज कार्बन का ऑलमोस्ट 5.5 है इसका जो है वो आपका 1.1 है और इसका जो होता है वो लीस्ट होता है दैट इज 0.7 तो इस हिसाब से आंसर आपका थर्ड आ जाएगा ओके नेक्स्ट इन एन अनबायस्ड पीएन जंक्शन अनबायस्ड मतलब कि लगी नहीं हुई है क्या सोर्स एक्सटर्नल बैटरी नहीं लगी हुई है होल्स डि फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन जो होल का है डिफ्यूजन वो पी से एन की तरफ होता है क्या रीजन हो सकता है फ्री इलेक्ट्रॉन इन द एन रीजन अट्रैक्ट दे मूव अक्रॉस द जंक्शन बाई द पोटेंशियल डिफरेंस गलत होल्स कॉन्सेंट्रेशन इन पी रीजन इज मोर एज कंपेयर टू द एन रीजन ये ही बिल्कुल सही जवाब है ऐसा क्यों तो उसका रीजन बड़ा सिंपल सा है एन डिपार्टमेंट में मेजोरिटी कौन है इलेक्ट्रॉन्स है और पी डिपार्टमेंट में मेजोरिटी कौन है होल्स है हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन एंड डिपार्टमेंट से खिसक करके कहाँ चले गए पी के होल्स में चले गए तो होल का डिफ्यूजन कहां से कहां हो रहा है देखो यहां पर अब धीरे धीरे एक लेयर बन गया ना पी एन जंक्शन डायोड के अंदर डेप्लेशन लेयर तो वहां पर सर धीरे धीरे पी खत्म हो गया मतलब कि होल्स खत्म हो गए और यहाँ शिफ्ट हो गए तो इसका मतलब है कि जो मेजोरिटी है वो यहाँ पर होल्स की है किसकी यहाँ पर बोल रहा हूँ तो पी टाइप सेमी कंडक्टर के अंदर तो होल्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है पी टाइप से एन की तरफ तो उसका रीजन यही है कि कॉन्सेंट्रेशन यानी कि जो इंप्यूरिटी लेवल है वो ज्यादा है

दिस इज बेसिकली कलेक्टर ये आपका बेस और ये आपका होता है अमीटर अमीटर नाम से पता चल रहा है बहुत ज़्यादा एमीट करने वाला और इसके अंदर डोपिंग बहुत ज़्यादा होती है होल्स बहुत छोटा होता है साइज में इसके अंदर इंप्यूरिटी भी काफ़ी कम होती है कलेक्टर की साइज बहुत बड़ी होती है लेकिन उसमें डोपिंग कम होता था दिस इज एमीटर दिस इज बेस एंड दिस इज कलेक्टर अब इस हिसाब से आप आंसर सेलेक्ट कर लीजिए बेस एमीटर एंड कलेक्टर रीजन शुड हैव द सिमिलर गलत हो गया द बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन एंड द लाइटली डॉप यही सही है ऑप्शन नंबर बी ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फॉर अ ट्रांजिस्टर द वोल्टेज गेन तो वोल्टेज गेन क्या होगा रिमेन्सटेंट फॉर ऑल द फ्रीक्वेंसीज इज हाई एट द हाई एंड लो फ्रीक्वेंसीज एंड कॉन्स्टेंट इन द मिडिल फ्रीक्वेंसी रेंज एंड इज लो एट हाई एंड लो फ्रीक्वेंसीज एंड कॉन्स्टेंट एट द मिड फ्रीक्वेंसीज एंड नन ऑफ द न तो बच्चा इसका करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी that the voltage gain is low. the formula ही है इसका voltage gain is low at the high and low frequencies and constant at the mid frequencies. okay इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर एक और ऑप्शन हो सकता है यहाँ पर दो ऑप्शन दिखा हुआ जब मैं स्विच कर रहा था तो मैंने देखा ध्यान से dekhiye द एमिटर जंक्शन मैंने इसके लिए ट्रिक बनाया था बच्चा लोग अगर आपको मेरी नीट की वीडियोस पता हो तो ई एप एंड सी आर गाँव में सीआर बहुत होते हैं

कि ये हमारा इनपुट वेव फॉर्म होता है ठीक है दिस इज इनपुट वेव फॉर्म अब ये जो इनपुट वेव फॉर्म है वहां पर यहां से लेकर के यहां तक ये कंप्लीट एक ऑसिलेशन हुआ यानी कि ये एक इनपुट माना गया ठीक है इस इनपुट के अंदर आपके दो वेव्स हैं आपको दिख रहा है ठीक है यहां से यहां तक आपका कंप्लीट एक सिग्नल है जिसके अंदर दो वेव्स मुझे दिखाई दे रही है अब हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर सिर्फ हमें आउटपुट इसी वेव्स में मिलता है यहीं पर मिलता है तो इसके लिए जो कैपिटल टी है वो तो ये हो गया यानी कंप्लीट जो है यही एक वेव है यहां पर कंप्लीट एक वेव के लिए यानी कि एक इनपुट के लिए हमें आउटपुट भी एक ही मिल रहा है हाफ वेव के अंदर तो हम यहां लिख सकते हैं फॉर वन आउटपुट सॉरी फॉर वन इनपुट आउटपुट विल बी वन इसीलिए अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज थी तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी हाफ वेव की कितनी हो जाएगी फिफ्टी हर्जी होगी है ना लेकिन अगर आप फुल व्यू देखें तो फुल व्यू के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर भी आपको व्यू मिलता है और ये नीचे वाला होता है उस पर भी आपको आउटपुट मिलता है मतलब अब यहां से यहाँ तक कैपिटल टी था तो अब ये तो एक हो गया ना ये आप ऐसा समझिए कि यहाँ पर ये यह एक सिग्नल है लेकिन यहाँ पर दो सिग्नल आ रहे हैं एक तो एक ये हो गया एक तो ये हो गया यानी अगर यहाँ फ्रीक्वेंसी पचास हट है तो ये डायरेक्ट डबल होगी ये समझने का तरीका क्योंकि यहां पर एक इनपुट के लिए मुझे दो आउटपुट मिल रहा है या दूसरा समझने का तरीका अगर यहां पर ये कैपिटल टी है तो ये आपका कितना होगा टी बाई टू हो जाएगा अगर टाइम पीरियड आधा होता है यू नो दैट टी इज इक्वल टू अपॉन एफ सो इफ द टाइम पीरियड इज हाफ देन ऑफ कोर्स फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू बी डबल यानी पचास था तो यहां पर आंसर कितना आ जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर ये आपका हो जाएगा हंड्रेड हर्च ठीक है कंप्लीट चलो डन आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर एंड हम ले लेते हैं रिमोट रिमोट से चलाते हैं चलो कॉमन ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर आ गया है, ट्रांजिस्टर तो कर लेते हैं अगर ये कर लोगे तो फिर वो एग्जांपल भी बना ही लेना डरना मत तो क्योंकि मैं ये बता दूंगा तो वो आपको अपने आप आ जाएगा देख लीजिए तो फॉर अ कॉमन एमिटेड ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर पहली बात तो कॉमन एमिटेड ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर बना लेते हैं पहले तो कॉमन एमिटर है बच्चा लोग ये आपका क्या होता है बेस ये क्या होता है कलेक्टर और ये होता है आपका एमीटर ये कॉमन एमीटर है इसीलिए इसे ग्राउंडिंग करते हैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस होता है जिसको बेस रेजिस्टेंस बोलते हैं और यहीं पर आपका एक इनपुट सिग्नल होता है वी आई, जिसको हमको एम्प्लीफाई करना होता है है ना एम्पलीफाई का, का काम ही होता है सिग्नल को बड़ा कर देना तो यहाँ पर इनपुट सिग्नल होता है और हमेशा याद रखिए कि ये जो आपका एमीटर जंक्शन है ये बेस एमीटर वाला अमीटर जंक्शन होता है इट शुड बी इन फॉरवर्ड बैस और ये है बेसिकली आपका एन पी एन अब जरा ध्यान से देखिए मुझे इसे फॉरवर्ड बायस करना है बच्चा तो फॉरवर्ड बायस के लिए कहानी क्या है पी को मुझे प्लस देना पड़ेगा तो पी को मैं प्लस दूंगा ये रहा पी ये मेरे लिए प्लस हो गया दूसरा वाला क्या होगा माइनस होगा और इस बैटरी का नाम हम वी डबल बी रखते हैं इसको कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग फॉरवर्ड बायस वोल्टेज फिर इसी तरीके से यहां पर एक लोड रेजिस्टेंस रहेगा आर एल इसमें से भी करंट चलेगी अच्छा ये बेस करंट है ये प्लस है ना तो यहां से चलने वाली करंट आपकी आई बी है और ये देखिए ये एन पी एन हुआ जंक्शन को इसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टर जंक्शन और कलेक्टर के बीच का डिपार्टमेंट कलेक्टर जंक्शन होता है और कलेक्टर जंक्शन हमेशा रिवर्स बायस में होता है सी आर कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस के लिए क्या कहानी है एन को प्लस दीजिए तो ये आपका प्लस हो गया अगेंस्ट वाला माइनस हो जाएगा क्योंकि ये आपका कलेक्टर की तरफ का बैटरी है इसलिए बी सी सी लिखेंगे बी सी सी कलेक्टर सप्लाई वोल्टेज है ये आपका बेस सप्लाई वोल्टेज है ये इनपुट है वोल्टेज है रेगुलेट करता है किस चीज के लिए फॉरवर्ड बायसिंग के लिए और ये आपका रिवर्स बायसिंग के लिए ठीक है यहां पर बेस और मीटर के बीच का जो वोल्टेज है वो आपका वी बी ई है बच्चा लोग बहुत अच्छे से मैंने ये सारी चीजें पढ़ाई हुई हैं एक बार पता नहीं क्यों दिल करता है इसलिए मैं आपको दोबारा बता रहा हूं वरना चाहता तो डायरेक्ट फॉर्मुला अप्लाई करता है अब अच्छे से समझो अब आपको समझ में आएगा इधर वाली सारी सिचुएशन आउटपुट है और इधर वाली सारी सिचुएशन इनपुट है यहाँ से देखिए आई बी ऐसे जा रही है बैटरी के प्लस ही करंट चलेगा तो ये आपका बेसिकली आईसी है अब देखो सवाल क्या कहता है फॉर अ द ऑडियो सिग्नल सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टेड रेजिस्टेंस ऑफ टू किलो ओम इज टू वोल्टेज सपोज द करंट एफिकेशन फैक्टर ऑफ द ट्रांजिस्टर इज 100 यहां से पकड़ो फिर मैं इस पर आता हूं ये किसकी वैल्यू है बच्चा 100. तो फिर से पढ़ लो करंट एम्प्लीफिकेशन ये कॉमन एमीटर है तो जब भी हमें करंट एम्प्लीफिकेशन की बात करता है तो वो आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट की बात करता है आउटपुट करंट है आपका आईसी और इनपुट करंट है आपका आई नीचे आई रहे तो फिर याद रखो ये आपका बीटा होता है एक होता है अल्फा दैट इज आईसी में आई ई ये हमारे पास में बीटा ठीक है हमारे पास बीटा गिवन है अच्छा फाइन द इनपुट सिग्नल वोल्टेज एंड बेस करेंट इनपुट सिग्नल वोल्टेज मतलब वी आई कितना है और बेस करंट बच्चा यानी कि आई बी कितना है और राइट right, और कुछ दे रखा है आई बी okay, so मिल जाएगा अगर आई बी मिल जाएगा तो फिर वी आई भी मिल जाएगा अगर आई बी मिल जाएगा तो हमें आई सी पता हो तो हम बीटा बीटा हमारे पास पता है और बीटा अगर पता हो आई सी पता हो तो हम आई बी पर तक पहुंच सकते हैं

तरफ तरफ इस वाला तरफ सब कुछ आउटपुट होता है आप लिख लीजिए ताकि आपके लिए आसानी रहे और ये आपका पूरा का पूरा क्या है ये आपका इनपुट है ठीक है आउटपुट वोल्टेज है बीटा है चलिए हम बात कर लेते हैं वोल्टेज गेन की ये होता है करंट गेन इसी तरीके से एक फॉर्मूला होता है ट्रांजिस्टर के अंदर वोल्टेज गेन इसको एवी से रिप्रेजेंट करते हैं इसका फॉर्मूला होता है आउटपुट वोल्टेज अपॉन में इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज का क्या formula होगा? वोल्टेज का क्या formula होगा फॉर्मुलाईट करेंट इनपुट में आपका बेस R भी लिख सकते हो यहाँ भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है अच्छा ये जो IC अपॉन आई भी है देखिए क्या है बीटा ठीक है चलिए तो जो ए बी हो गया वो आपका हो गया बीटा इन टू आर सी अपॉन में आर बी अब ध्यान दीजिए आपके पास में वोल्टेज गेन की जगह पर हम वी ओ अपॉन वी आई लिख लेते हैं चीजें आसान हो जाएंगी ठीक है हमारे पास में बीटा है हमारे पास में आर सी है हमारे पास में आर बी है ठीक है और आउटपुट वोल्टेज भी है तो इस इक्वेशन से वी आई निकल गया यार गेम ओवर और अगर वी आई निकल गया तो वी आई इज इक्वल टू आई बी आरबी ठीक है तो आपके पास में वी आई है आपके पास में आरबी है आप आई भी, भी निकाल सकते हैं से से किन किन चीजों को बोला डायग्राम अगर अच्छे से समझ गए तो ऐसे कैसे भी क्वेश्चन आएगा ये आपके नीट में बहुत पूछते हैं बहुत ज्यादा पूछते हैं बोर्ड एग्जाम में बहुत कम चांस है लेकिन नीट में बहुत पूछते हैं सॉल्व हो चुका है अब इसे देखते हुए जो पुरानी टेक्स्ट बुक का सवाल जो आपके सामने थोड़ी देर पहले आया था ना उसे कर लीजिए आपको मजा आ जाएगा चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं टू एम्पलीफायर्स आर कनेक्टेड वन आफ्टर दी अदर इन सीरीज तो दो एम्पलीफायर है सीरीज में कनेक्टेड है तो बच्चा है इसका जो ओवरऑल जो फॉर्मूला होता है वोल्टेज गेन का वो मल्टीप्लाई होता जाता है जितने भी सीरीज में लगे होंगे एम्पलीफायर सबका इस तरीके से होता है जैसे मैग्निफिकेशन कैसे होता है वैसे ही आपका वोल्टेज गेन होता है सबका मल्टीप्लीकेशन अब हमें बोल रखा है द फर्स्ट एम्पलीफायर हैज अ वोल्टेज गेन ऑफ तो ये आपका 10 हो गया एंड द हैज अ वोल्टेज गेन ऑफ ट्वेंटी ओके और फाइनल ये जो रिजल्ट है उसका क्या मतलब है आउटपुट अपॉन में इनपुट

तो अब आप रख दो या आप आंसर चेक कर लो अगर आपका ये आंसर प्लीज ध्यान से सुनिएगा अगर आपका ये आंसर एनर्जी का फॉर दिस पर्टिकुलर वेवलेंथ इज ग्रेटर देन दिस एनर्जी गैप देन तो ये होगा ये बिल्कुल वर्क फंक्शन जैसा ही है कि वर्क फंक्शन इतनी की है आप लाइट गिरा रहे हो अगर मान लो वर्क फंक्शन 10 का है तो आपको लाइट 10 से कम नहीं 10 से ज्यादा चाहिए 10 पे करोगे तो भी नहीं होगा 10 से ज्यादा होगा जस्ट लाइक एल्बर्ट आइंस्टाइन तो अगर हमें इस वेवलेंथ की एनर्जी को हम गिराते हैं हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो ये कैलकुलेट करने के बाद में हमारा आंसर कितना था जीरो पॉइंट टू जीरो सेवन ई वी और एनर्जी गैप कितना है टू पॉइंट एट तो ये बिल्कुल भी उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा द एनर्जी ऑफ अ सिंगल व्यवलन सिक्स हंड्रेड निनोमीटर इज दिस विच इज लेस देन द टू पॉइंट एट द एनर्जी बैंड गैप और अ फोटोडाइड हेज द फोटोडाइड कैन नॉट डिटेक्ट द सिग्नल हो गया बात आई समझ में चलिए तो यहाँ पर ये कहानी होती है खत्म अब हम आगे बढ़ते हैं और अब एंट्री मारते हैं एडिशनल एक्सरसाइज के अंदर कुछ अच्छे सवाल हैं करते हैं उन्हें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है समझते हैं ये देखिए सबसे पहला सवाल थोड़ा इसको ध्यान से समझना है इसमें बल बुद्धि विवेक सभी की आवश्यकता होगी ठीक है ठीक है है, भाई साहब, ये हमारा silicon atoms है, जो कि फाइव इंटू टेन टू ट्वेंटी एट है दिस इज डॉप्ड साइमलटेनियथ फाइव इंटू टेन एस टू ट्वेंटी टू एटम्स पर मीटर क्यूब ऑफ आर्सेनिक अब आप समझो कि अगर आर्सेनिक मिलाया वो भी इतना 5 into 10 to 22 तो आर्सेनिक मतलब पेंटावेलेंट अगर पेंटावेलेंट मतलब कि ये जो 5 into 10 to 28 प्योर लोग हैं सिलिकॉन के इसके अंदर हमने जो डॉपिंग कंसेंट्रेशन मिलाई आगे भी एक डॉपिंग कंसेंट्रेशन है वो भी देख लो आ, कितना है ऑफ इंडियम 5 into 10 to 20 पर मीटर क्यूब एटम्स ऑफ इंडियम और फाइव हंड्रेड टू ट्वेंटी आर्सेनिक तो ये आपका आर्सेनिक का है एंड एंड डोपिंग डोपिंग ऑफ ऑफ आर्सेनिक इंडियम तो ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि ये पेंटा वैलेंट है और ये आपका क्या है ट्राई वेलेंट है जाहिर सी बात है इनकी जो वैल्यूज आ रही है वो वैल्यूज थर्मल एनर्जी की वजह से जो एन आई आती है टेन एस टू सिक्सटीन पर मीटर क्यूब उससे ज्यादा है यानी हम ऐसा मान सकते हैं कि भैया यही मेरा इस सिचुएशन के अंदर फाइव इंटू टेन एस ट्वेंटी जब आप इसकी कर रहे हो किसकी आ, आर से नहीं की तो पेंटावेलेंट पेंटावेलेंट मतलब जिसके लास्ट ऑर्बिट में पांच इलेक्ट्रॉन मतलब वो अपने साथ एक इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा फ्री में अगर एक आता तो एक लेके आता दो आता तो दो लेके आते और फाइव इंटू टेन टू ट्वेंटी टू साथ में आ रहे हैं और इनकी संख्या जो थर्मल एनर्जी से आने वाले इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या का कंपेरिजन है बहुत ज्यादा है इसीलिए हम जो थर्मल एनर्जी की वजह से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को नेगलेट मारते हैं हैं और हम ऐसा मान लेते अपनी सरलता के लिए कि भाई यही लोग एनी है तो एनी आपका कितना हो गया 5 into 10 22. और ये आपका रियल आंसर नहीं है ठीक है ये आपका रियल आंसर नहीं है इसे हमने मान लिया एनी बराबर फाइव इंटू टेन एस टू ट्वेंटी टू पर मीटर का क्यूब इतने वॉल्यूम के अंदर और क्योंकि ये एटम्स पर मीटर क्यूब है क्योंकि एटम्स के नंबर को आपने इलेक्ट्रॉन्स का नंबर माना है और इसी तरीके से जो होल्स होगा क्योंकि बच्चा इंडियम है ना इंडियम के लिए मैंने आपको टेक्निक क्या बताया था याद आया क्या था बाबू थाईलैंड तो गैलियम इंडियम एंड थोरियम ये सब लोग जो होते हैं आपके क्या होते हैं ट्राइवेलेंट होते हैं ठीक है पांच बोरोन वाला जो था राइट right, तो ये आपका है इंडियम यानी कि ट्राईवेलेंट ट्राइवेलेंट का मतलब होता है कि तीन आएगा चार लोगों की रिक्वायरमेंट है सिलिकॉन के साथ जुड़ने के लिए ट्राईवेलेंट आएगा तो तीन तो कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा लेकिन एक होल रहेगा इसीलिए ये नंबर ऑफ होल्स है और ये कितना है फाइव इंटू टेन पावर ट्वेंटी पर मीटर का क्यूब ठीक है बच्चा अब यहां पर हम ना एक नंबर डिसाइड करते हैं ये हमें पता चल गया है आगे बोलता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बोलोगे सर यही है ना ही बच्चा ये हमने क्या बोला कि जो आइटम्स है उसी के बराबर लेकर के चल रहे दिस इज नॉट अ रियल नंबर रियल नंबर हमें निकालना पड़ेगा अभी अगर आपको लगता है अब क्या कह रहा हूं आगे कुछ दिया रहा है ये एनआई एन आई इज इक्वल टू वन पॉइंट फाइव इन टू टेन टू दी पावर सिक्सटीन पर मीटर का क्यूब बच्चा ये दोनों वैल्यू है ना मैं एनई माइनस में एन एच निकाल सकता हूँ क्या हाँ सर निकाल सकता है जरा ध्यान दीजिए ये आपका हो गया की की ठीक है तो 500 सौ में से 5 चला गया तो ये चार सौ हो गया गुड़े दस की खाते बीस इसे हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं फोर पॉइंट नाइन फाइव इन टेन पावर ट्वेंटी टू पर मीटर का क्यूब दिस माइनस में एन एच ठीक है ठीक है सर अब हमारे पास में एक फॉर्मूला है बच्चा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस में फोर ए बी सही है क्या प्लस फोर ए बी ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस फोर ए बी तो फोर ए बी प्लस और फिर माइनस टू ए बी एट दी एंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही हो जाएगा वही चीज मैं यहां अप्लाई करने जा रहा हूं एनी प्लस एन एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एनी माइनस में एन एच का होल स्क्वायर प्लस फोर एनी एंड देन एन एच सो एनी प्लस में एनएच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एनी माइनस एन एच का होल स्क्वायर प्लस फोर एनी एंड देन एन एच क्या यहाँ पर एक नंबर आएगा हाँ कि ना प्लीज इसे आपको करना है एंड कमेंट करके बताना है बच्चा कि आपने किया कि नहीं वरना गोली मार देनी है मैंने ये आपका इक्वेशन वन इसी तरीके से यहाँ पर आएगा इक्वेशन नंबर टू चलो मैं आपको बताता हूँ इसको कैलकुलेट करने पर कितना आता है चलिए तो आपकी सरलता के लिए समय बचे इसलिए मैंने इसे कैलकुलेट कर लिया है दोनों इक्वेशन को जब आप ऐड करेंगे ना तो एनी माइनस एन एच और एन इनएच में एन एच एन एच कट जाएगा तो टू एनी बराबर कुछ आ, आएगा कैलकुलेट पूरा करिए आप फिर फाइनली जब आप एनी निकालेंगे टू डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आता है ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब आपके पास में बाहर सारी कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला है दैट इज इज एन स्क्वायर इक्वल टू एनी से आपके पास में एनी है आपके पास एन आई है एनएच निकालिए देखिए इतना है ठीक है यहीं पर कुछ सवाल ही बोल रहा है सवाल क्या बोलता है जरा देखिए इज द मटेरियल एन टाइप और पी पीटाइप मटेरियल आपका ये जो था जिसके अंदर ये दोनों ही डोपिंग की गई है वो क्या है तो जरा ध्यान से देखो नंबर पे यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 10 22. और ये है फोर पॉइंट फाइव फोर इन टू टेन टू नाइन जाहिर सी बात है एनी इज ग्रेटर ग्रेटर देन एन एच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है होल्स के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा है और अगर नंबर ऑफ इक्ट्रॉन होल्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है इसका मतलब है कि वो क्या है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर साइन क्या होता है नेगेटिव इसीलिए ये टाइप सेमीकंडक्टर है तो आप क्या लिखेंगे हियर एन इज ग्रेटर देन बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर देन द होल वी विल से दैट दिस इज होलटाइप टाइप सेमीकंडक्टर बिकॉज ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसके अंदर होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर ही होता है तो ये सवाल होता है यहां पर सॉल्व ओके okay, अगले सवाल पर चलते हैं ये थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड है कुछ नहीं क्योंकि उन्होंने फॉर्मूला ही डायरेक्ट दे रखा है तो आइए एक बार समझ लेते हैं यहाँ कहता है इंडियन इट्स होल ऑफ द कंडक्टिविटी एट सिक्स तो रेशियो बोल रहा है बच्चा फिर से देखो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी एंड इंडिपेंडेंट टेम्परेचर वॉट इज द रेशियो बिटवीन कंडक्टिविटी एट सिक्स एंड दैट एट थ्री हंड्रेड कैलविन तो बच्चा कंडक्टिविटी का रिलेशन एन म्यू एंड ई होता है ये तो मोबिलिटी है ये तो ई e है दोनों ही कांस्टेंट होते हैं। तो सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन के और होल्स के तो कहता है भैया बाई यही जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो फॉर्मुला आपको, आपको दे रखा है एनआईज एक्सपोनशियल की पावर में माइनस इजी बाई टू के बी टीजी आपको दे रखा है KB भी आपको दे रखा है। है? है। अच्छा KB नहीं है। तो से जूल पर होता है बच्चा। लेकिन इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो यही जो आपका आंसर है तभी आपका आंसर किसमें आ जाएगा आ,

अ uh, 300 टेम्परेचर यही करना है ना यही हमारा क्वेश्चन मार्क बराबर अब आप ध्यान से समझो क्या कैलकुलेट करना है वो आप करके आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए जो हमारा एनआई है वो है आपका एन नॉट एक्सपोनेंशियल की पावर में माइनस में ईजी e, अपॉन में केबी एंड देन टी सबसे पहले तो आप माइनस में ईजी e, या फिर सिर्फ ईजी e, अपॉन में केबीटी की वैल्यू निकाल लो चलो आप बताता हूं मैं आपको चलिए बच्चा तो आपकी सरलता के लिए मैंने पूरा सॉल्व किया ये जो मैंने आपको नंबर बताया उसको सॉल्व करने पर आता है एट पॉइंट सिक्स इंटू टेन एस टू माइनस में फाइव अब बस रेशो ही तो लेना है तो पहले ही ये वैल्यू निकालने से अच्छा है रेशियो ले लो बिकॉज वो बाद में ऊपर कैंसिल ही हो जा रहा है तो एन सिक्स हंड्रेड अपॉन एन थ्री हंड्रेड करेंगे तो देखो सिक्स हंड्रेड में यहाँ टेम्परेचर सिक्स हंड्रेड रखना है लेकिन यहाँ साथ में माइनस भी है तो ऐसा होगा ई e की पावर दिस एंड देन इन टू एन अपन सिक्स हंड्रेड डिवाइडेड बाई ई की पावर दिस एंड देन थ्री हंड्रेड जब वो ये ऊपर जाएगा माइनस कॉमन करोगे तो ये आपका आंसर वन अपॉइंट सिक्स हंड्रेड माइनस वन पॉइंट थ्री हंड्रेड होगा लेकिन ऊपर माइनस भी है ना तो उस माइनस को हटाने के लिए हमने रेशो चेंज कर दिया तो वन पॉइंट थ्री हंड्रेड वाला रेशो पहले आ जाएगा एंड वन अपॉइंट सिक्स हंड्रेड यहाँ पर आ जाएगा इसको सॉल्व किया तो सिक्स हंड्रेड आ रहा है सिक्स हंड्रेड माइनस थ्री हंड्रेड आपका कितना हो जाएगा थ्री हंड्रेड डिवाइड बाई थ्री हंड्रेड कट जाएगा इंटू सिक्स हंड्रेड बचेगा ये बच गया ई की वैल्यू वन पॉइंट टू दे टू एज इट इज और के बी जो है मैंने ईवी में कन्वर्ट करके इतना लेके आ गए इसको पूरा ओवरऑल आप सॉल्व करेंगे तो 11.6 आएगा ई की जो वैल्यू होती है एक्सपोनेंशियल की 2.718 होता है अब यहां आकर के बच्चे बहुत सारे फंस जाते हैं कल जब मैंने न्यूक्लिया का वीडियो डाला था उसके अंदर भी मैंने आप लोगों से कहा था बच्चा लोग मैक्सिमम कॉमेंट करो अगर आपको लॉग्रिम्स लेने नहीं आता क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गए खुदा ना खास आ, आ, आ जाए क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जहां पर आपको नेचुरल साइन लॉग्रम्स की जरूरत पड़ेगी क्योंकि कैलकुलेटर तो अलाउड है नहीं तो इसे ऐसे सॉल्व किया जाता है सुन लीजिए मैं अलग से इस पर कहा था मैक्सिमम कमेंट करिएगा अगर आपको लौग, एंटी, लौग, देखने नहीं आता है तो मैं उस पे सेपरेट से इसको आप एक्स मानिए तो एक्स की पावर इलेवन पॉइंट सिक्स हुआ देख लो कैसे करना है क्योंकि हमारा आंसर यही है मतलब ये लेकर के आना है पावर में इलेवन पॉइंट सिक्स तो दोनों तरफ आप लॉग एक्स ले लो तो यहां लॉग 2.718 आया अब लॉग रीम्स के पेज में जाके पूरा देखो ऐसे पेयर लेते हैं सत्ताईसवे का 27 वाले नंबर पर आप जाओगे उसका फर्स्ट बॉक्स का एट्थ डिफरेंस लेना है जो भी नंबर आए पॉइंट के पहले यहां पर टू है यानी कि एक डिजिट है तो आपका आंसर यहां पे जीरो पॉइंटिंग समथिंग आएगा इन सिक्स फिर जब आप एक्स लोगे ना तो फिर आप एंटी लॉग में जाओगे सपोज एंटी लॉग आपका आ रहा है जीरो पॉइंट वन टू थ्री फोर अभी यहाँ कैलकुलेट करने पर जो आया मुझे नहीं पता मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ तो जीरो पॉइंट वन टू थ्री फोर आया तो आप एंटी के पेज पे जाओगे पॉइंट का थर्ड खाना फोर्थ डिफरेंस देखोगे पॉइंट के पहले जीरो 5, ये। है? प्लीज कमेंट करना अगर आपको लॉग्रिम्स और एंटी लॉग्रिम्स पर नहीं आता बच्चा इसमें ज्यादा टाइम हम नहीं लेंगे क्योंकि ये पूरा न्यूमेरिकल का वीडियो है कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ ये आ गया फिर से एक वहां से इसके अंदर भी कुछ नहीं है पूरा का पूरा फॉर्मूला ही दिया हुआ है और उसी के बेसिस पर आपको ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चा लोग देखिए क्वेश्चन क्या है इन जंक्शन द करेंट आई कैन बी एक्सप्रेस करेंट का इक्वेशन भाई दे रखा है ये करंट लेकर के आए हैं अपने से ये लोग आई इज इक्वल टू आई नॉट फिर ईनि एक्सपोनशियल ईवी अपॉइंटमेंट टू

टू के बी टी का पहले आप वैल्यू निकाल लो e कितना है 1.6 कितना बोल रहा है जीरो पॉइंट सिक्स तो जीरो पॉइंट सिक्स डिवाइडेड बाई टू के बी कितना है? तो 8.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन पावर माइनस में फाइव इसको आप सॉल्व कर लोगे एक डिजिट आ जाएगा उसमें से 1 माइनस करना है e क्या है 2.718 की पावर उतनी जैसे पहला प्रोसेस बताया डिट्टो ही वैसा करना है इस जस्ट अ कैलकुलेशन यू हैव टू डू इट फिर मैं बता देता हूं आंसर क्या आता है व्हाट विल बी द इंक्रीज इन द करंट प्लीज ध्यान से सुने व्हाट विल बी द इंक्रीज इन द करंट इफ द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड इज इंक्रीज टू 0.7 सेम प्रोसेस सेम वे द ओनली डिफरेंस 0.7 लेना है इसकी जगह पर फिर वही 2.718 की पावर जो आएगा निकाल लो डन तीसरा व्हाट इज द डायनेमिक रेजिस्टेंस बच्चा डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होता है वोल्टेज अपॉन में करंट ठीक है तो वोल्टेज में आपने क्या देखा चेंज 0.7 से 0.6 हुआ यानी 0.1 और करंट में आपने क्या चेंज देखा पहले करंट कितनी थी ओके okay, कहां गया हमारा करंट हाँ यहां पर आपने निकाला और यहां पर आपने निकाला दोनों का डिफरेंस ले लीजिए 0.7 0.6 डिवाइडेड बाय यहाँ जो करंट आया और यहाँ जो करंट आया उसी का तो डिफरेंस लेना है तो मैं यहां पर ले लेता हूँ आई टू माइनस में आई वन कर चेंजेस फ्रॉम वन वोल्टेज टू ट्वेल्व वोल्टेज तो ये ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रहता है बिकॉज रिवर्स बायस के अंदर आप जानते हो कि एक सेचुरेशन करेंट चलती है जो कि कॉन्स्टेंट रहती है अगर आप वोल्टेज बढ़ा भी रहे हैं रिवर्स बायस वोल्टेज कोई फर्क नहीं पड़ता आपको ग्राफ याद रखना है रिवर्स वाला आपने ग्राफ याद रखा होगा ये देखिए ये कांस्टेंट रहता है लेकिन आफ्टर पर्टिकुलर वोल्ट आ, वैल्यू फिर ये जेनर एंड में कन्वर्ट हो जाता है सडन चेंज आता है ब्रेकडाउन वोल्टेज उसको बोलते हैं तो ये करंट आपकी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है जो कि माइक्रो एम्पियर के फॉर्म में होती है ऑल दो यू आर इंक्रीजिंग द वैल्यू वोल्टेज द करंट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट ठीक है तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं आगे बढ़ लेते हैं देखो इन्होंने भी इसी तरीके से प्रोसेस को फॉलो किया है सारी की सारी वैल्यू निकाली ये पहले आपका इतना करंट आ रहा था फिर बी पार्ट में इन्होंने करंट निकाला तो कितना आ गया इतना आ गया फिर इन्होंने सी पार्ट में डायनेमिक रेजिस्टेंस बोला ये देखो, निकाला, इतना डी पार्ट में रेजिस्टेंस इन द रिवर्स बी इन्फेनाइट ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहां पर भैया आता है आपका डायोड वाला केस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आइए देखिए यूर गिवेन द टू सर्किट आर शो इन द फिगर शो दैट दर्किट एक्ट

जैसे ए आपका है वन ठीक है अब मैं करता हूं ए बार तो मेरा आंसर हुआ जीरो उल्टा फिर मैं वापस करता हूं डबल बार तो जीरो का वापस कितना हो जाएगा वन हो जाएगा मतलब ले देकर आंसर वही आ जा रहा है तो बार का बार करते हैं तो आंसर वही आता है मतलब ये आपका ए प्लस बी ही है और ये आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ए प्लस बी किसके लिए होता है और गेट के लिए होता है यानी ये बात हो गई यहाँ पर प्रूफ खत्म यहां देखिए ध्यान से ये ए है ये नॉट गेट है तो ये आपका होगा ए बार ये बी है ये नॉट गेट है तो ये आपका होगा बी बार फिर बच्चा ये नॉर्ट गेट है यानी का कंप्लीट बार अगर आपको ये रूल्स कुछ ना पता हो वैसे इसका जो आंसर होता है वो ए डॉट बी ही आएगा लेकिन अगर आपको ऐसे रूल्स ना पता हो तो अब इस ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें ट्रूथ टेबल से देखिए ट्रुथ टेबल पे आ जाओ दो इनपुट लिया वन वन जीरो जीरो वन जीरो वन जीरो चार हमने ऐसे अलग अलग इनपुट्स ले लिए अब हमको चाहिए ए बार प्लस बी बार तो मैंने यहाँ पर ए बार करा ए बार मतलब ठीक इसका उल्टा जीरो जीरो वन वन फिर मुझे चाहिए बी बार ये वन है तो जीरो जीरो है तो वन वन है तो जीरो उल्टा हो जाएगा जीरो है तो वन फिर मुझे ए बार प्लस बी बार चाहिए तो आप दोनों को जोड़िए बच्चा जीरो प्लस जीरो जीरो वन 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 प्लस वन टू का नहीं होगा वन ही रहेगा फिर हमें ए बार प्लस बी बार का बार करना है ठीक है चलिए तो जीरो का कितना हो गया वन उल्टा हो गया ना इसका उल्टा करना ओके okay. तो ये आपका जीरो जीरो एंड देन जीरो नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट वन इंटू वन 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 इंटू जीरो 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 इंटू वन जीरो एंड जीरो इंटू जीरो जीरो अल्टीमेटली ये किसमें होता है ये होता है ए डॉट बी के अंदर ये किसमें होता है ए डॉट बी के अंदर जिसे हम कौन सा गेट कहते हैं एंड गेट हो गया प्रूफ आप चाहो तो इसे भी ऐसे ही कर सकते हो या आप चाहो तो इसे याद रख सकते हो इसको दी मॉर्गन लॉ भी कहा जाता है ए बार प्लस बी बार का बार का बार हो तो यू कैन राइट ए डॉट बी इट्स डन नेक्स्ट पर चलते हैं तो अगला जो सवाल है ये रहा राइट दूथ टेबल ट्रूथ टेबल बनाइए फॉर अ नैंड गेट कनेक्टेड एज द फिगर तो ये नैंड गेट है बच्चा ऐसे याद भी रख सकते हो कि जब दो इनपुट शॉर्ट सर्किटेड हो तो वो जो गेट होता है वो नॉट की तरह ही ऑपरेट करता है क्योंकि इसके इनपुट दोनों शॉर्ट कर दिए गए हैं ये भी ए है इसका बी स्वयं ए है तो चलिए इसका इनपुट देखते हैं क्या होगा इसका जो इनपुट है क्योंकि ये नैंड गेट है नैंड गेट मतलब आगे सर्कल होता है तो y इज इक्वल टू ए डॉट बी का पाल ठीक है तो चलो a और b इज इक्वल टू आपका a ही है यानी अगर ये वन वन जीरो जीरो लोगे तो ये वन जीरो वन जीरो ही होगा सॉरी वन वन जीरो ही होगा मतलब बेसिकली वन जीरो लेना चाहिए था मुझे दो बार लिखने की जरूरत ही नहीं है फिर अब देखो ए डॉट बी कर लेते हैं तो वन इन टू वन 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 इन टू वन वन जीरो जीरो आपका हो गया फिर ए डॉट बी का बार कर लो तो जीरो जीरो एंड देन वन वन ध्यान दीजिए जब हमारा इनपुट वन था रिजल्ट जीरो है इनपुट वन है रिजल्ट जीरो है इनपुट जीरो है रिजल्ट वन है ये कब होता है कि जीरो का वन हो जाए और वन का जीरो हो जाए ऑफकोर्स ये नॉट गेट में होता है इसे आप याद भी रख लीजिए कि जब भी नैंड गेट के दोनों इनपुट शॉर्ट करेंगे ना रिजल्ट इज ऑलवेज अ नॉट गेट ऐसे भी याद रख लो कि अगर दो इनपुट ऑफ नॉर्गेट को अगर हम शॉर्ट कर देते हैं तो भी ये नॉट गेट की तरह ही बिहेव करता है ठीक है चलिए तो ये होता है हमारा समाप्त ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फिर से वहां पर यही कहानी आ रही है ये हमारे लिए है ए और बी क्या बनाना है उट बाई द टू सर्किट्स यानी इनके ट्रुथ टेबल ही बनाने हैं बेसिकली तरीके से ये आपका ए है ये आपका बी है ये आपका नॉर्थ गेट है बच्चा नैंड गेट है तो इसका जो रिजल्ट हुआ ए डॉट बी का बार हुआ ठीक है इसे हम पी कह देते हैं ध्यान दीजिएगा अगर ये ए डॉट बी का बार आ रहा है और इसके दोनों इनपुट शॉर्ट कर दिए गए हैं ये आपका नैंड गेट था लेकिन इसके दोनों इनपुट शॉर्ट है अभी आपने पढ़ा तो ये किसकी तरह बिहेव करता है नॉर्थ गेट की तरह ही बिहेव करता है अगर ये नॉट गेट है तो ए डॉट बी या जो भी इसका सिग्नल मिला है तो बी होता तो बी बार कर देगा अभी तो ए डॉट बी हो जाता है बस यहीं पर आपका आंसर मिल चुका है कि ये जो पूरा सिग्नल है वो एंड गेट की तरह बिहेव कर रहा है खत्म चलो तो अब ये ए है अगेन नेट गेट नेट गेट बोल रहा हूँ दोनों इनपुट शॉर्ट है तो, तो दिस विल बिहेव लाइक वॉट ए बार सही है भैया ठीक है ये आपका बी है तो ये आपका हो जाएगा बी बार थोड़ा ऋतिक रोशन की भाषा में पढ़ते हैं आपका मास्टर टैलेंटेड है हाँ ऋतिक रोशन की साहब की भाषा में मैं बोलूँगा मैं जा रहा हूँ आ जाओ वापस देखते हैं पापा ने सिखाया था मुझे ये ए बार और बी बार है और ये आपका क्या है गेट है लेकिन इसके दोनों इनपुट शॉर्ट नहीं है तो फिर यह हो जाएगा ए बार डॉट बी बार क्योंकि ए डॉट बी तो होता ही है लेकिन साथ में सर्कल भी है ना तो बार तो आएगा ही एक बार फिर से समझ लो लेकिन अब मुझे अपनी भाषा में आना पड़ेगा वापस आ जा पाओ एस दिस इज इनपुट ए एंड बी ट्राई टू अंडरस्टैंड ये नैंडेट है तो ए डॉट बी बार होता लेकिन ए ए नहीं है ए बार है डॉट बी बी नहीं है बी बार है तो ओवरऑल आपका हो गया अच्छा इसको समझ में अगर मैं चाहूँ तो दीप ब्रोगली से डायरेक्ट कर सकता हूँ मॉर्गन लॉ से दीप ब्रोगली से नहीं लेकिन आप इसको बना लीजिए ट्रूथ टेबल से ताकि दोनों चीज़ें आपके सामने आ जाए तो ए बी वन वन जीरो ज़ीरो वन जीरो वन ज़ीरो ए बार बच्चों क्या होगा जीरो बी बार उल्टा कर रहा हूं 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1. और बी का उल्टा कर दीजिए है तो ए बार डॉट बी बार कर देते हैं जीरो जीरो बच्चों हमें क्या चाहिए ए बार डॉट बी बार का पूरा बार ठीक है राइट right? तो चलिए अब हम इसका उल्टा कर देते हैं तो जीरो है तो वन वन एंड देन अब जरा समझना है किसकी तरह बात बिहेव कर रहा है मतलब इसको देखो आप। ये ये रहा। किसमें होता है और गेट में होता है तो ये आपका एंड गेट की तरह बिहेव कर रहा था और ये आपका ऑर्गेट की तरह बिहेव कर रहा था बच्चे फिर रियली वॉन्ट टू बी लव विद फिजिक्स लवि खास करके बार वो सारे लेक्चर्स को देखो आपको फिजिक्स के साथ प्यार हो जाएगा इट्स माई गारंटी चलो तो ये भी होता है समाप्त अगला एक और सवाल कर लेते हैं ये आपका किसकी तरह मुझे दिखाई दे रहा है नॉर्गेट की तरह हाँ ये नॉर्गेट ही है तो ए और बी है ना तो नॉर्गेट में ए प्लस बी का बार अभी वापस शॉर्ट हो गया तो बच्चा ये नॉर्डगेट की तरह बिहेव करेगा नॉर्गेट में क्या होता है इसका बार हो जाता है तो ए प्लस बी के बार का बार यानी कि किसके बराबर हुआ ए प्लस बी के यानी ओवरऑल सिस्टम किसकी तरह बात कर रही है और गेट की तरह वही तो बोला है कि बिलो कंसिस्टिंग ऑफ कट एंड आइडेंटिफाई द लॉजिक ऑपरेशन और तो इसका लॉजिक किसकी तरह है और गेट की तरह आप चाहो तो ट्रुथ टेबल बना के भी सेम आंसर ला सकते हो और कोई क्वेश्चन है यहाँ पर हाँ जी चलो एक और कर लेते हैं क्या दिक्कत है फिर से तो ये तो साफ साफ दिख रहा है जग जाहिर है कि ये इसकी ये शॉर्ट सर्किट हो गया नॉर्गेट है तो इट विल बिहेव लाइक अ नॉट गेट ये गेट है पूरी तरह से नॉट गेट है ये ये देखिए दिया गेट है और फिर ये लोग आके A bar, plus B bar का बार। ऐसा कैसे? Because ये गेट है सिर्फ और गेट होता तो दोनों इनपुट ए बार यानि input A bar, जो कि ए की तरह है इनपुट बी बार जो कि बी की तरह है तो इट्स लाइक ए प्लस बी का बार तो ए बार प्लस बी बार का बार चलो इसको बना लेते हैं फिर से तो ए बी वन वन ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो वन ज़ीरो ए बार चाहिए तो ज़ीरो ज़ीरो वन वन बी बार चाहिए तो ज़ीरो वन एंड देन ज़ीरो वन फिर हमें क्या चाहिए ए बार प्लस बी बार दोनों को जोड़ते हैं बच्चा लोग तो ये आपका ज़ीरो आपका वन ये आपका वन ये आपका वन फिर ए बार प्लस बी बार का क्या है बार है यानी कि वन जीरो जीरो एंड देन जीरो नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड वन इंटू वन 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 प्लस ज़ीरो वन होना चाहिए था अगर प्लस होता तो बट ये वन इंटू जीरो वन

कंप्लीट एन का सॉल्यूशन यहाँ पर होता है बच्चों समाप्त आई होप यू पीपल हैव वॉच्ड ऑल द सेशंस एन सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं ये बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके बहुत बड़े रोल प्ले करते हैं जिस बच्चे ने पूरा का पूरा न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व कर लिया है मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ वो सेवेंटी आउट ऑफ सेवेंटी के कगार पर खड़ा है आप बहुत सारे सवाल कर लीजिए लेकिन अगर आपने एनसीआर नहीं किया तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं इसीलिए आप प्ले जरूर चेक कर लेना इस चैनल पर अवेलेबल है एनसीआर का सारा सोल्यूशन चैप्टर वन से लेकर के चैप्टर नंबर तक ये आप जरूर कर लेना आपकी एग्जामिनेशन में बहुत काम आएगा बच्चा ठीक है साथ ही साथ आप जो है हमारे एप्लीकेशन क्लास ट्वेंटी फोर को जरूर डाउनलोड कर लीजिए बिकॉज नीट 2023 2024 की बैचेस अब मैं लेकर के आ रहा हूँ अपने एप्लीकेशन पर पेड बैचेस होंगे बहुत ही मिनिमम प्राइस पर होगा और कोई और नहीं पढ़ा रहा होगा ये व्यक्ति ही पढ़ा रहा होगा आप ही लोगों के लिए मेहनत है YouTube पर भी मेहनत कर रहा हूँ और साथ साथ में पेड बैचेस में भी आ जाइए तो मिल करके धमाल मचाते हैं ठीक है तो चलो बच्चा ये होता है यहाँ पर समाप्त अब आप लोगों से मुलाकात होगी बहुत जल्द लाइव क्लास में तब तक के लिए खुश रहें मुस्कुराते रहें एंड मुस्कुराहट के साथ फिजिक्स पढ़ते रहें सो डू वट यू वॉन्ट टू डू मैन बट डोंट ट्रेवल यू मॉम टेक किया लव ऑल थैंक यू सो मच बाय जय हिंद